श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे मोरी स्वामनी मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री नंद गाम को वास। नंद गाम बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत महापुराण की, गाड़ली सरकार की। विश्व शांति गीत का पाठ करेंगे। उस नंदलाल से प्रार्थना करनी है कि हे नंदलाल, कि इस संसार में जो भी कोई प्राणधारी है, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो कोई मानव हो, कोई भी हो इस संसार में प्राणधारी, कोई भी दुखिया ना रहे, सब सुखिया रहे, कि सबको सुख मिले, किसी भी प्रकार का कोई किसी को दुख ना रहे, मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे, मेरे सामने वाला भी सुखी रहे और मुझसे दूर रहने वाला भी सुखी रहे। आप की भक्ति प्रेम
करो सुनिए कृपाल धाम। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। नंद भवन में राधे राधे, राधे राधे, नंद बैठक में राधे राधे, 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 राधे। सभी हाथ जोड़कर पितृ देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता और एवं हनुमंत लाल जी का आह्वान करेंगे कि आप सब यहाँ आए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और जैसे प्रभु प्रतिदिन की भांति पंचम दिवस तक जो मैंने कथा श्रवण की है, इस कथा का आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो, वैकुंठ आदि की आपको प्राप्ति हो और समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान समस्त भक्तों। कितने किलोमीटर का था जोर से है जी? 1 कह देता है 14 और 1 कह देता है जी 84 को उसकी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अरे 2 किलो को छोड़ो, 1 ईंट कोई लेके रोक के दिखा दो ना, अगर इस पर प्लास्टर चढ़ जाए तो, क्योंकि ये दुनिया जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। कि हे नंदलाल, मुझे अब दुनिया को नहीं देखना है, मुझे अब दुनिया को नहीं देखना है, मुझे तो अब तुझे देखना है। बोलो राधे राधे। तो किस प्रकार भगत कहता है नंदलाल से, कृष्ण क्योंकि जब तुम भक्त लाइन पर चलोगे, भक्ताई करोगे या तुम तिलक लगाओगे, आज मुझे कितनी खुशी है कि आगे जितनी भी मैया बैठी हैं सबने तिलक लगा रखा है। किसकी कृपा है ये बताओ, किसकी कृपा है ये? भागवत की कृपा है। उसने ज्यादा भी नहीं करा तो 5 दिन में तुम्हें इतनी प्रेरणा दे दी कि तिलक लगा कर बैठूंगी, आई ना मन में? तो बताओ भागवत क्या नहीं देती है? भागवत जब तुम्हारे मन को भागवत बदल सकती है तो क्या तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर सकती? क्योंकि मनों के कारण ही दुख हैं, इस मन के कारण ही दुख हैं और किसी के कारण दुख नहीं है। तुम्हारी इच्छा है कि BMW गाड़ी हो तो इच्छा किसने मनाई? मन ने। अब BM गाड़ी ले आए तुम, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा सुख है। अब BMW गाड़ी को लेकर चलने लगे, ट्रक से टकरा गई, कौन बना दुख का कारण? मन बना तुम्हारा। ना तुम्हारे मन में BMW गाड़ी की होती और ना तुम्हारा एक्सीडेंट होता, क्योंकि तुम इस माया के चक्कर में इतना फंसते चले गए तो दुख तो तुम्हारे लिए आने हैं, दुख तो तुम्हारे पास आएंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता। तो आइए मेरे साथ मिलकर नंदलाल से प्रार्थना करनी है कि अब मुझे जगत नहीं देखना है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या
क्या है। ये दुनिया एक निराली दुनिया है ये, और इसमें तरह तरह के रंग ढंग तुम्हें मिलेंगे। तो किस प्रकार कहना है नंदलाल को, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझे को, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझे को, ओ नहीं चाहिए। Oh,
इससे आंखें भर गई हैं मेरी। चले आओ अब तुम मोहन दरस की प्यास, अब तुम चाहिए मुझे ये जगत नहीं चाहिए। ये जगत तो निगोड़ा है, ये जगत तो निगोड़ा है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इस जगत की जरूरत नहीं है। एक बार जोर से बोलो और बोलो। तो कल की कथा कहां थी? पता है किसी को? जोर से बताओ। नहीं, यूं तो हमें भी पता है कि गिरिराज जी पे ही है ही, कहां कहां छोड़ी हमने। कि मेरे नंदलाल गिरिराज पूजा के लिए चल दिए, गिरिराज पूजा कर दी वहां शुरू। और हमने तो इतनी छोड़ी थी कि गिरिराज पूजा शुरू करी, इंद्रदेव ने कहा कि मैं भी आज ही बरसूंगा, कल नहीं बरसूंगा, मैं आज ही दिखा दूंगा। क्योंकि नंदलाल ने जब गिरिराज पूजा शुरू की तो इंद्रदेव को पता चल गया। और कल का चमत्कार देखा आपने? कुछ कल का चमत्कार देखा है? क्या? कि गिरिराज पूजा जैसे ही हमारी शुरू हुई उसी तरह से बारिश हो गई, और उसी तरह जब बारिश हुई और हमारी जब आरती हुई तो कौन कौन बीज कर गया घर? है
हम जब गए थे उस समय तो एक बूंद नहीं थी कि जब हम गद्दी से उतरे इसका मतलब तुम जल्दी चले गए। जब हम गद्दी से उतरे और हम गए थे तो बाहर बिल्कुल बारिश नहीं थी। अच्छा वो पानी भर गया था तो पानी तो इसकी थोड़े कही है आपको भेजने की। तो कल का ये बताओ भागवत में चमत्कार है या नहीं? कभी आज तक तुमने कथा सुनी है, कथा श्रवण की है? कभी किसी की कथा में हुआ है कि राज पूजा वाले दिन बरसात? अभी 2 बजे कितनी जबरदस्त बारिश थी। अब कोई कह सकता है यहाँ बारिश हुई होगी? 2 मिनट में ही नंदलाल ने धूप निकाल दी और माहौल को बिल्कुल ऐसे बना दिया जैसे प्रतिदिन की बात ही हो। बना दिया ना? बनाया नहीं बनाया? तो ये है भागवत का चमत्कार। सच्चे दिल से की हुई भागवत, मन के द्वारा बोले हुए शब्द और परमात्मा के चरणों में चित लगाकर बोले हुए वाक्य कभी असत्य नहीं होते, सत्य होते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूं कि भागवत बहुत कुछ देती है। भागवत इतना दे देती है जिसकी कोई सीमा नहीं, परंतु लेने वाला होना चाहिए। लेने वाला होना चाहिए पर तुम लेने की कोशिश नहीं करते हो। कल देखो कहां बैठा हुआ व्यक्ति एक मोबाइल यूट्यूब इत्यादि सोशल मीडिया पर कथा को सुन रहा है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो रही है और तुम्हारे सामने तो प्रत्यक्ष में अमृत वर्षा हो रही है। फिर बताओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। परंतु इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि सुनने का और देखने का, सुनने का और देखने का तरीका अलग अलग है। उसके अंदर भाव है कि मेरे गुरुदेव कथा सुना रहे हैं और मैं कथा सुन रहा हूं। आपके अंदर क्या भाव है? तो इसीलिए भाव और चित्त के साथ में कथा श्रवण करो। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी फिर कह रहा हूं, 8वें दिन की पूर्ण आहुति जब होगी, जब मेरा नंदलाल थोड़ा थोड़ा सबको सुख दे देगा, दुख ले लेगा उसे, जब पूर्ण आहुति होगी, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका क्योंकि उसने कल बरसात करके तुम्हारे पापों को धो दिया। कल उसने बरसात का जो काम किया तुम्हारे पापों को धो दिया। और भागवत में की जब आरती करते हो क्या बोलते हैं? पापों को मिटाने वाली, पापों को ये मिटाती है। तो कल तुम्हारे पापों को धो दिया, आज तुम पवित्र और मन से बैठे हो, चित लगाकर बैठे हो, तो सोचो आज की कथा का तुम्हें कितना लाभ मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो इसीलिए आज बराती बनकर कौन कौन आया है? जो बराती बनकर आए हैं हाथ ऊपर खड़ा करो। देखो जी बराती तो फिर सज धज के आमे, तुम तो पुराने धुनाने से कपड़ा ने पहन के आ गए, कैसे मान लें बराती हो? अच्छा अब बिटिया वाले बनकर कौन आए हैं? कन्यादान करने वाले? अच्छा छोरा तेरे मऊ ज्यादा है रे। बोलो राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा आरंभ की, सारे ब्रजवासी मिलकर गिरिराज की पूजा करने लगे। सारे ब्रजवासियों ने जब गिरिराज की पूजा आरंभ कर दी तो ब्रजवासी कहने लगे कि लाला तेरो गिरिराज कहाँ है? तेरो गिरिराज तूने कही कि मेरो भगवान प्रगट होगो, मेरो भगवान प्रगट होगो और तुम्हारे संग बैठ के तुम भोजन दीनो और प्रसाद पावेगो। कहा है भैया तेरो लाला? यहाँ तो ही पहाड़ सो ही दिखे, कछु और नहीं दिखे। वन अभी तुम पूजा तो शुरू करो, अभी तुम पूजा तो शुरू करो। अब यह सूचना इंद्र को पता चली नारद द्वारा
नारद जी ने जाकर भड़का दिया, अरे इंद्र, वो ब्रिजवासी एक छोटे से बालक के चक्कर में तेरी पूजा को छोड़कर उस पहाड़ की पूजा करने लग गए। उस छोटे से बालक ने तेरी पूजा बंद करा दी। ऐसे तो धीरे धीरे हर जगह तेरी पूजा खत्म हो जाएगी। देख ले बेटा, अगर संभालनी है तो गद्दी को संभाल ले, नहीं तो तेरी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। नारद जी ने ऐसा भड़काया कि वो भूल गया कि ये नारायण है, वो भूल गया। और उन्होंने पवन देव को आज्ञा दी, फिर उन्होंने वरुण देव को आज्ञा दी, वन जाओ ब्रज में इतनी घनघोर बारिश कर दो कि ब्रज डूब जाए, उनको पता चल जाए इंद्र की पूजा छोड़ने का क्या फल होता है। अब वरुण देव जी आए, वरुण देव ने आने के बाद में इतनी जबरदस्त बारिश शुरू कर दी। अब बारिश देखी और एकदम जब वो बिल्कुल पवन देव ने पूरा तूफान वहां पर बना दिया, तो तूफान जैसा माहौल जब बना तो सारे ब्रजवासी आए, लाला बचा बचा, लाला बचा, हमने तोते पहले कही कि इंद्र कहीं नाराज है को तो तेरे गिरिराज बचावेंगे, अब देख कौन बचावेगो हमें, अब बता कौन बचावेगो। लाला ने कही कि चिंता मत करो, जाकी शरण में आए हो वो ही तुम्हें बचाएगा, तुम गिरिराज तरेठी में बैठे हो तो गिरिराज ही तुम्हें बचाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी ब्रजवासियों के सामने लाला हाथ जोड़कर खड़े हो गए और गिरिराज जी को प्रार्थना करने लगे कि हे गिरिराज महाराज, अब तुझे ही ये मेरी लाज रखनी है, क्योंकि वो ब्रजवासी इनको दिखाना चाह रहा है, अगर वो तुरंत उठा लेता तो ब्रजवासी कुछ और समझते। और भगवान ने उसको एक सबसे छोटी कंध की उंगली पर, कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा लिया। उसी दिन से मेरे भगवान का नाम गोवर्धन धारी पड़ गया। बोले गोवर्धन धारी भगवान की, जिसने गोवर्धन को धारण किया वो गोवर्धन धारी हो गया। और सारे ब्रजवासी उस गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए, उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगा ली, क्योंकि मैया यशोदा ने कही कि सभी सपोर्ट करो, मेरो छोटो सो लाला है, या पे नाय रुकेगो। तो सभी ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी लगा ली। जब सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगाई, एक दिन व्रतीत हुआ, दो दिन व्रतीत हुए, तीन दिन व्रतीत हुए, चौथा दिन जब आया तो चौथे दिन पर ब्रजवासी कहने लगे कि लाला लाला तू थक गयो होगो, चार दिन चार रात है गई हैं, तू आराम कर ले थोड़ी देर, हमने रोक ही तो राखो है, हमने रोक राखो है, तू आराम कर ले। अब लाला कहते हैं, कन्हैया कहते हैं कि अरे पागलो, मैंने अगर हाथ हटा दिया तो ये रुकेगा नहीं। अच्छो तू अपने आप है धारा सिंह समझे, तू अपने आप है, अच्छा तू यो सोच रहे होगा कि तेने रोक लिया ही, तेरी नेक चीची उंगली पे रुक जागो, क्यों पागल बना भाई, हम सबने रोक राखो है, ई हम सबने रोक राखो, तेने ना रोक राखो, और तू हटा ले हम देख लेंगे, वन हटा दू वना हटा ले। और जैसे ही भगवान ने उंगली को हटाया तो उन ब्रजवासियों की लाठी टूटने लग गई और गिरिराज पर्वत नीचे आने लगा। और जब गिरिराज पर्वत नीचे आने लगा तो ब्रजवासी कहने लगे कि लाला बचा बचा, लाला बचा, और लाला ने दोबारा से अपनी उंगली लगा दी। जब लाला ने दोबारा उंगली लगाई तो ब्रजवासी कहने लगे कि लाला हमारी एक बात समझ में नहीं आई, हम इतने ब्रजवासी लाठी ने लेके लग रहे हैं, एक गिरिराज जब ना रुको और तेरी छोटी सी उंगली पे कैसे रुक रहो है, कोई ना कोई कारण तो है, या को मतलब वो जोगी बाबा आया वो सही कह रहो, घर का चार दिन नामकरण करो तो वाने सही कही कि तेरो छोरा परम ब्रह्म है, कहीं तू भगवान ही तो ना है, कहीं तू नारायण ही तो ना है। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा गाना हूं, फिर तेने एक राज कैसे ठा लियो, मन बताऊं सच्ची, मन हां बता, कछु माखन को बल बड़ो
कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपी जन की सहाय। और श्री राधे जू की कृपा से गिरवर लियो ठाए कि कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपी जन की सहाय। और राधे जू की कृपा से गिरवर लियो कि मैंने राधे जू की कृपा से गिरवर उठा लियो। मन लाला कैसे मैंने जो हम माखन चोरी कर करके खावे ना वाते हमारे शरीर में ताकत आई। कछु गोपी जन की ये सहाय कि जो तुम ये डंडा लगा कर खड़े हो लाठी लगा कर खड़े हो। एक ब्रजवासी बोला एक ग्वाला बोला कि काय को पागल बना रो है लाठी हमने देख तो लही तेने मरिया हटाई हमारी तुरंत टूट गई। अरे ई वाली सहायता ना कही कौन सी वन की तुमने जब ही मैंने उठाया और तुमने मोते टक टकी लगा कर देखो तुम्हारी आंख मेरी आंख से मिली तो तुम्हारी ताकत मेरे अंदर आ गई और मैंने लाडली जी की कृपा से गिरिराज उठा लिया कि तुमने जो मोते नजर से नजर मिलाई तो मैंने तुम्हारी ताकत मेरे अंदर आ गई और लाडली किशोरी मेरे कंधे पे अपना सिर रखकर खड़ी हो गई तो उनकी कृपा से गिरवर उठा लिया। अब ब्रजवासी कहने लगे अच्छो हम जबी के हैं हल्के हल्के से कैसे महसूस है रहे हम जबी के हैं कि हल्के हल्के से कैसे महसूस हो रहे हैं। आज तक हमने तो सुनी कि तू माखन चोरी करे अब तो तू हमारी ताकत अन्य भी चोरी करन लगो कि हमने आज तक सुनी कि तू माखन चोरी करे जबी हम जो क्या हमारी जान कहां गई। तो ऐसे भोले वाले ब्रजवासी और ऐसे हमारे नंदलाल। तो उसके बाद में 7 दिन तक घनघोर बारिश हुई। इंद्र ने आकर देखा वरुण देव को बुलाया कि देखू तो सही कि ब्रज डूब गया होगा। वरुण देव आकर इंद्र के चरणों में गिर गए कि प्रभु ब्रज में तो धूल उड़ रही है ब्रज में कोई असर नहीं है। मतलब वन में इतनी घनघोर सबरे मेघ लगा लिए पर ब्रज के अंदर धूल उड़ रही है पानी जाता ही नहीं है। वन की क्यों भगवान ने ध्यान इंद्र ने ध्यान लगाया तो भगवान की छवि में नारायण दिखाई दिए। इंद्र समझ गया कि मैंने अपने पिता से बैर ले लिया। अब इंद्र घबराने लगे बृहस्पति ऋषि के पास में गए। ऋषि से कहा कि गुरुदेव कोई हल बताओ नहीं तो आज मुझे नारायण नहीं छोड़ेंगे। तब उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है बताओ भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है गौ माता सबसे ज्यादा प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि तुम इस गौ कामधेनु गाय जो है इसको लेकर जाओ उनके सामने खड़ा कर देना इनके दूध से उनका अभिषेक करना और जब ये अपने बच्चे को जीव से चाहतेगी करेगी इतने में वो तेरे गुस्से को भूल जाएंगे। ये ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इंद्र आया इंद्र ने आके क्षमा याचना की और कामधेनु गाय के दूध से उनका अभिषेक किया। तो भगवान ने कहा कि इंद्र तेरा तो कुछ दोष नहीं है कभी कभी बेटों में आदत हो ही जाती है बाप की परीक्षा लेने की और आप यहां से आगे तो कलयुग चल रहा है बेटा ही बाप बनेगा कि बेटा ही बाप बनेगा। आज के टाइम पर बाप बेटा बनकर रहेगा और बेटा बाप बनकर रहेगा तो तेरा इसमें कोई दोष नहीं है और तेरा तो अपराध भी बहुत छोटा है। अरे अपराध तो ब्रह्मा का था मैं उसको क्षमा कराया जिसने मेरी गायों को मेरे बछड़ों को मेरे ब्रजवासियों को 1 साल तक मुझसे दूर रखा। अरे पगले तूने तो 7 दिन दिन और रात इनके बीच में मुझे रहने का मौका दिया तेरा कोई अपराध नहीं है मैं तुझे क्षमा करता हूं। इंद्रदेव जैसे तैसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके वहां से जल्दबाजी में चल दिए। इंद्रदेव ने कहा कि अब यहां से निकल लो अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। उसके बाद में भगवान ने गिरिराज पूजा की गिरिराज भगवान प्रकट हुए और जो 56 भोग बनाए थे वो गिरिराज जी को लगाए गए। अब गिरिराज जी को जब भोग लगाया जा रहा था तो
श्री धामा नाम का जो सखा भगवान का है, अब वो कहता है सुमलतो से कि लाला देखियो ई भगवान हमारे लाला ते मिले है, ई भगवान हमारे लाला ते मिले है, या कि सकल हमारे लाला ते मिले है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही तो गिरिराज बने थे, तो कृष्ण की सकल और गिरिराज की सकल सेम जैसी लगने लगी ब्रजवासियों को। अब एक जगह कृष्ण को देखें, एक जगह उसको देखें, तो उनके मध्य में उनके गुरु थे सांडिल्य ऋषि, जो पूजा करवाई थी जिन्होंने, उन्होंने कहा कि खुद पूजे, खुद पूजे और खुद पुजावे, खुद ही तो पूज रहा है और खुद ही पुजवा रहा है, खुद वही भगवान यहाँ है और वही वहां है, यहाँ खुद अपने आप को पूज रहा है और वहां पुजवा रहा है। तो सांडिल्य ऋषि तुरंत कृष्ण के चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे कि नंदलाल तेरी लीला अपरंपार है, तेरी माया को कोई नहीं समझ सकता। अब धीरे धीरे 56 भोगों का प्रसाद जा रहा, तो भोले बाबा भी आए, भोले बाबा ने भी अपना प्रसाद उनके साथ में दे दिया। कौन सा प्रसाद, कौन सा प्रसाद है भोले बाबा का, है जी जोर से बोलो, भांग का प्रसाद। और कहते हैं हमारे ब्रज में जब भांग खा लेते ना भूख ज्यादा लगती है, ये सुना भी होगा आपने, भांग खाने वाले व्यक्ति को भूख ज्यादा लगती है। तो 56 भोग का प्रसाद के बीच में भोले बाबा ने अपना प्रसाद भी दे दिया। अब तो गिरिराज महाराज खाते ही जाएं, खाते ही जाएं, एक सका के कि लाला ई तेरो भगवान कछु प्रसादी छोड़ेगो भी या सवैये खा जागो, वन चिंता मत करो ई तुम्हें प्रसादी भी छोड़ेगो। क्यों आजकल के भक्त कैसे भोग लगावे हैं, गिनती की 10 मिश्री के दाने या गिनती के 10-5 चनोरी के दाने, इससे ज्यादा नहीं रखते। भगवान बैठे मंदिर में कम से कम 20, कहीं राम है, कहीं लक्ष्मण है, कहीं सीता है, कहीं हनुमान है, कहीं भोले है, कहीं शेरावाली है, और एक कटोरी में मात्र 10 दाने धरेगी मैया। 10 दाने धर दिए, धरने के बाद में 2 मिनट रखेगी और 2 मिनट रख बेटा, चाहे में वो प्रसाद डाल लिया मीठा डल जाएगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, 2 मिनट से भी ज्यादा नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमारा तुम्हारा पूर्ण विश्वास उस पर नहीं है, हम तुम एक रीति रिवाजों के मुताबिक फॉर्मलिटी पूरी करते हैं, पूर्ण विश्वास नहीं है। पूर्ण विश्वास होता, पूर्ण विश्वास होता तो आप उसको 10 चनोरी या 10 मिश्री के दाने रखने की नहीं सोचते, अपनी भोजन की थाली को पहले उसके सामने रखते फिर भोजन ग्रहण करते। पर करते हो ऐसा? नहीं करते। पहले भोग लगाते हो अपने भोजन में से, तो अपने भोजन में हकीकत है ये, मीरा ने ठाकुर जी को जहर का भोग लगाया तो उसको भी अमृत बना दिया, उसको फिर जहर नहीं रहने दिया। इसीलिए तुमसे कहता हूं मैं, आप भोजन करने बैठो, मैंने कल सुनाई थी ना आपको कथा कि एक काला सा कुत्ता मेरे भोजन को ग्रहण कर ले गया। आप भोजन करने बैठो, मंत्र भी नहीं आता है तो हाथ जोड़कर उसकी छवि को निखारो और ऐसे समझ लो जैसे आप बैठकर खुद खिला रहे हो, देखो कितना स्वादिष्ट भोजन लगेगा, कितना आनंद आएगा उस भोजन को ग्रहण करने में। और जब तुम उसको खुद खुद खाने की सोचोगे, अब बहुत से भैया कहते हैं पंडित जी हम ना वो डालते हैं उसमें क्या बोलते हैं उसको, प्याज इत्यादि वगैरह, इसकी वजह से हम भोग नहीं लगाते, कहते हो ना इसी, कौन कौन नहीं लगाता इसकी वजह से भोग, तुम इसकी वजह से भोग नहीं लगाते हो क्या? उस नंदलाल को भूखा रखने से तुम घर की अन्नपूर्णा देवी को खुश कर सकते हो? तो रामायण में तुलसी बाबा ने गलत नहीं कहा कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग, अभी तुम्हारा बेटा पेपरों में फैल हो जाए या तुम्हें गड़बड़ लगे कि मेरा बेटा फैल हो सकता है, तब तुमसे कोई पंडित जी कह दे कि 10 दिन लगातार भोजन करवाओ और बिना उसके करवाओ, कराओगे या नहीं कराओगे?
कराओगे। और अब मैं अगर तुमसे कहूं कि आप जिंदगी भर ठाकुर जी का निस्वार्थ भावना से उसका भोजन कराओ, कराओगे या नहीं कराओगे? नहीं कराओगे। तो आज से तुम सबका नियम है, मंदिर किस किस के घर में है, सबके घर में है, तो सबने आज से नियम बना लेना है कि जो भी तुम घर में खाओ उसको पहले ठाकुर को खिलाओ, फिर तुम अपने आप खाओ, देखो कितना आनंद आएगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि जब तुम घर में भोजन बना रहे हो, भोजन बनाते समय मान लो कोई जीव कीटाणु तुम्हारे भोजन में गिर जाए, सुनते हैं ना ऐसी कथाएं कई जगह मिली हैं, जीव कीटाणु तुम्हारे भोजन में गिर जाए और गिरने के बाद में तुम उसको अगर डायरेक्टली खा लो क्या होगा? नमो नारायण होगा या नहीं होगा? और अगर उस भोजन को तुम ठाकुर को लगाओगे या तो ठाकुर पहले ही दिखा देगा इसमें कुछ है, और नहीं तो उसको ऊपर से ऊपर ही खत्म कर देगा, पर तुम्हें दुख नहीं आने देगा। ये है फल भोजन लगाने का। इसीलिए भोजन भी जब भी करो तो 2 मिनट या 2 सेकंड उसका चिंतन करो। तुम्हारे अब आजकल बफर सिस्टम में इत्यादि में तुम जाते हो या किसी रिश्तेदारी में जाते हो, कोई बात नहीं, मंदिर ना मिले 2 मिनट थाली आगे रखो, हाथ जोड़ दो, मानसिक भोग लगाओ और भोग लगा के एक टूक तोड़कर अलग रख दो कि ये मैंने तेरे नाम का निकाल दिया। और वो उसको उस टूक को किसको देना है? जो भगवान का है, इंसान भगवान का है, जीव भगवान का है, कीटाणु भगवान के हैं, गाय भगवान का है। अब गाय को तो दे नहीं सकते हो कि वो थाली में रखी रहेगा तो वो झूठा हो जाएगा, या तो उसको निकाल कर बाहर रखो। अगर थाली में रखा रहने देते हो तो फिर उसको कीटाणु जीवों के लिए खाने के लिए दे दो, उससे नंदलाल खुश होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आज के बाद जब भी तुम भोजन करो मंदिर में भोग जरूर लगाना है, मंदिर में तो, और फिर भोग भी लगाओगे तो कैसा? कल बताया था ना भोग लगाने का तरीका, अपरस, अपरस सुना ना सबने, तो अपरस को करोगे लागू? किस किस ने करा आज लागू, सही बताओ। अच्छा, तो नीचे बैठ के बनाया था भोजन आज? हाँ बनाया तो खड़ा होके ही था, फिर किस चीज का कर लिया अपने अपरस लागू? सबसे बड़ा अपमान तो खड़े होके अन्न का ही कर रहे हो आप, अग्नि का तो बाद का काम है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी बात है, इनको जीवन में जरूर उतारो, और इनको अगर जीवन में उतार लिया आपकी बेड़ा अपने आप पार हो जाएगी। और अब 2 ही दिन हैं, मैं इसीलिए तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि इन चीजों को लागू करके देखो, वैष्णवी बनकर देखो, वैष्णवी बनकर देखो, तुम्हें जिंदगी जीने का आनंद ही कुछ और आएगा। तुम्हारे घर में क्रोध क्यों बढ़ रहा है पता है? आजकल लोगों के घर में क्रोध क्यों बढ़ता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि लोगों का भोजन तामसी हो चुका है, लोगों का भोजन ही खुद क्रोधी हो चुका है, तो बच्चे तो क्रोधी होंगे। प्याज लहसुन इत्यादि की हम बार बार मना करते हैं, क्यों? क्योंकि इस प्याज लहसुन वगैरह खाने से तामसी प्रवृत्ति होती है, और तामसी जब प्रवृत्ति होती है तो आदमी जिद्दी हटी क्रोधी स्वभाव का होता है। अब तुम्हें तुम्हारे बच्चे क्रोधी लगे तो उसके लिए ये सबसे पहले बंद करो, देखो अगर उसका क्रोध शांत ना हो जाए तो। अब तुम यूं कहो कि डॉक्टरों ने कहा है ये तो आयुर्वेद दवाई है, फलान है, ये है, उस डॉक्टर को पूछना कि तू भी खाता है क्या? सबसे पहले डॉक्टर मना करेगा कि मैं नहीं खाता जी। अरे दवाई दवाई की जगह पर है, दवाई दवाई की जगह पर है, उसकी जगह दूसरा भी तो ऑप्शन है। आजकल वो टीवी पे एक ऐड आती है बड़ी स्टाल से, संडे हो या मंडे मन चिंता मत करो, तो फिर यमराज कहता है संडे हो या मंडे और रोज खाओ डंडे, फिर यमराज तुम्हें डंडे खिलाएगा। तुम आज किसी के खून को खा लो या पी लो, कल यमराज कहेगा कि संडे हो या मंडे तू ही कहता था ना, तो अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर और बोल संडे हो या मंडे रोज खाऊंगा डंडे। तो तुम रोज डंडा खाओगे फिर वहां और कुछ नहीं करोगे। क्यों?
क्योंकि जब तुम किसी जब हम मरते हैं तो हमें एक बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, और वो जो बैतरणी नदी हम पार करते हैं तो उसमें वही जीव कीटाणु पशु पक्षी होते हैं जिन्हें हम मारते हैं या खाते हैं। और जब उन जीव कीटाणु पशु पक्षियों के सामने हम जाते हैं तो वो उस समय एक ही शब्द कहते हैं, वो समय एक ही शब्द कहते हैं कि तैने कहा था ना मैं मंगलवार को नहीं खाता, बाकी सब बार को खाता हूं, तो आजा बेटा मैं मंगलवार को भी नहीं छोड़ता, बाकी सब बार को छोड़ देता हूं, तुझे मंगलवार को ही देखूंगा मैं। क्योंकि तुम आज किसी जीव को खा लो, मैंने पहले प्रथम दिवस में भी कहा था हमारे भारत वर्ष में गिवेंटेक सिस्टम है अदले का बदला, तुम आज किसी को खाओ तो कल वो तुम्हें जरूर खाएगा। क्या ब्राह्मण नहीं जीते? क्या ब्राह्मण नहीं जीते? ब्राह्मण जो सात्विक ब्राह्मण हैं, वैष्णवी ब्राह्मण हैं, वो इन चीजों से दूर रहते हैं, क्या वो जीवन को नहीं जीते? उनके घर में बच्चे पहलवान नहीं होते? नहीं होते क्या? अरे इस भारत वर्ष को सबसे पहले आजादी दिलाने वाला कौन था ये बता दो। अंग्रेजों को भगाया जब इस भारत वर्ष से, तो सबसे पहले लड़ाई करने कौन सा शख्स आया था बताओ? मंगल सिंह पांडे। मंगल सिंह पांडे थे जो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। वो मंगल सिंह पांडे कोई और नहीं थे, एक ब्राह्मण थे। आज तक कोई भी मुगल शासन को लगा लो आप, चाहे मुगल शासन को लगा लो या अंग्रेजी शासन को लगा लो या राजा महाराजाओं के किसी शासन को लगा लो, हर जगह सबसे पहले ब्राह्मण ने युद्ध छेड़ा है। ब्राह्मण किसी से कमजोर नहीं है, सबसे पहले ब्राह्मण आया है। आगे बाद में दुनिया आई होगी या ना आई होगी, क्योंकि देश की संस्कृति की रक्षा करना, देश की संस्कृति की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसीलिए आपको भागवत के लिए ब्राह्मण प्रेरणा देता है कि अपने धर्म की रक्षा करो और इन चीजों को आगे बढ़ाओ। तो आप सबसे निवेदन यही है मेरा कि किसी भी तरह से इस धर्म को नष्ट मत होने दो, इस धर्म को दोबारा से पुनः जीवित करो। और जो धर्म के तीन पैर, तप पवित्रता और दया, ये जो तीनों पैर इस कलयुग ने खत्म किए हैं, इनको हमें दोबारा से पुनः जीवित करना है और हमारे धर्म के चारों पैरों के साथ खड़ा करना है। हमें धर्म को चारों पैरों के साथ खड़ा करना है, चारों चरण हम धर्म के खड़ा करेंगे, पर कब? जब आप सब माताएं बहन भाई हमारा साथ देंगे। तो एक बार जोर से बोलो। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पूजा की। गिरिराज पूजा करने के बाद में सभी ब्रजवासियों ने पूछा कि लाला एक बात तो बता, ये इंद्र ने इतनी वर्षा कराई है, पानी कहां गयो? तो भगवान गिरिराज जी के पीछे की साइड में ले गए और कहने लगे, दाढ़ी वारो बाबा पीगो, दाढ़ी वारो बाबा पीगो। अब वो कौन थे? अगस्त मुनि। कि राम जी के समय पर जब माता सीता लंका से आई और राम जी जब अयोध्या आ गए, राजा बन गए, तो उनकी एक इच्छा जगी कि मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूं। तो हनुमान जी अगस्त ऋषि को ले आए, तो उन्होंने दुबले पतले शरीर को देखा तो माता सीता कहने लगी कि अरे हनुमान अपनो जैसो लेके आम, तो हट्टो कट्टो ये दो ही पूरी खावे को और झिक जागो। मैया खवा के तो देख। और हनुमान जी माता सीता रिद्धि सिद्धि के साथ जो है रसोई में गई, भोजन बनायो, तो सर्वप्रथम तो नाश्ता करायो, सर्वप्रथम नाश्ता करायो। अब नाश्ता ही नाश्ता अगस्त ऋषि ने 3 महीना तक करो, कि 3 महीने तक वो नाश्ता ही चलता रहा। अगस्त ऋषि जी का पेट नहीं भरा, मैया थक गई। अब वो बोले, अगस्त ऋषि बोले कि मैया एक काम कर, तू नाश्ता वास्ता छोड़, तू भोजन करा। अब मैया सीता देखती हैं कि 3 महीना तक जो नाश्ते में लगो रहे हो दिन भर दिन और रात, अभी भी भोजन की आशा रह गई। मैया अभी तो नाश्ता ही करो, भोजन तो बाकी है।
तो उसके बाद में उनको भोजन कराया, भोजन कराते कराते रिद्धि सिद्धि थक गई, मैया सीता थक गई। जब मैया सीता ने देखो कि अब मेरे बस की नाए, तो राम जी के पास में गई, हाथ जोड़ दिए, मन प्रभु मैं नहीं समझ पाई इन महात्मा ने, अब इनको इतना तो करो कि कम से कम ये खड़े हो जाए। अब जबरदस्ती भी नहीं उठा सकते, तो भगवान खुद अगस्त ऋषि जी के बगल में थाली लेकर बैठ गए और भगवान ने दो ही पूड़ी खाई और खाने के बाद में हाथ धोकर तुरंत जयकारा मारकर खड़े हो गए। ये एक रीत है कि जब भी कभी चार आदमी भोजन करें और उनमें से अगर एक आदमी भी खड़ा होके चल दे तो समझ लेना सब खड़े होके चल देंगे, क्योंकि वो पंगत उठ जाती है। तो भगवान ने हाथ धोकर जयकारा लगाकर उठ गए। अगस्त ऋषि समझ गए। अगस्त ऋषि ने कहा कि प्रभु ठीक नहीं करा, अभी तो मेरा पेट भी नहीं भरा। उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा करो, ये बालक जो हैं तुम्हारे ही हैं, कोई और के नहीं हैं, और ये दुखी हो गए हैं, मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैया सीता से कहने लगे कि अरे मैया कम से कम पानी तो पिवा दे, अब तेने इतना भोजन कराया है। तो मैया सोचती है कि जो व्यक्ति 3 महीना तक नाश्ता में लगो रहे हो, वाह के बाद भोजन में लगो रहे हो, अभी पानी कितनो पीवेगो। मैया बोली महाराज मैं हाथ जोड़ू या पानी की आफत मैं गले में नहीं बांधूंगी, मो पे भोजन ते नहीं सुरजो गयो ते पानी ते कैसे सुरजूंगी। तब राम ने कहा था कि प्रभु इस जन्म में तुम्हें भोजन करा दिया, अगले जन्म में हम तुम्हें पानी पिला देंगे। तो वही अगस्त ऋषि आकर सारे पानी को पी गए, वही अगस्त ऋषि आए और सारे पानी को पी गए। तो उस प्रकार गिरिराज पूजा हुई, उसी दिन से आज भी हमारे यहाँ गिरिराज जी है और उनकी पूजा होती है। कौन कौन परिक्रमा दे के आया था? पूरी परिक्रमा दी थी पैदल ना, पैदल किस किसने दी है? हाथ ऊपर खड़ा करो, दी है? चलो हाँ, क्योंकि गिरिराज जी की पूजा पैदल करना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन इस प्रकार मेरे नंदलाल ने गिरिराज लीला की। अब हम चलते हैं प्रेम रास में। अब तक तो तुमने उनकी एक नटखट लीलाएं देखी हैं, अब तुम्हें वो लीला देखनी है, वो लीला श्रवण करनी है जिस लीला को देखने के लिए एक एक देवता इंतजार कर रहा है। रास पंच अध्याय में चलते हैं राजन, जो कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है, रास पंच अध्याय। और रास पंच अध्याय में चलने से पूर्व नंद बाबा और ब्रजवासी ने कही कि लाला हमें ऐसा लगे है कि तू भगवान है। क्यों? क्योंकि जब नंद बाबा एक दिन बिना ब्रह्म मुहूर्त के रात्रि में खड़े हो गए, उन्होंने सोचा कि 4 बज गए हैं, वो तुरंत खड़े हुए। तुरंत खड़े होने के बाद में यमुना में स्नान करने, तो रात को सोते हुए यमुना में जाके स्नान करा, वरुण देव नाराज हो गए तो उनको पाताल में ले गए। भगवान कृष्ण सुबह जगे, देखा बाबा नहीं है। मैया ने कही कि यमुना स्नान पे गए थे, तो भगवान वरुण लोक में जाके और बाबा को वापस लेकर आते हैं। तो बाबा ने सब कुछ प्रत्यक्ष में देखा कि मेरो लाला आयो और वो ऐसे ऐसे लेके गयो। उनने कही कि हमें लगे तू भगवान है, तो लाला ने कही कि हाँ मैं भगवान हूँ। तो मान की 13 घर और बैकुंठ कैसो है, मन आंख बंद करो। तो सभी ब्रजवासी को और नंद बाबा को अपनो बैकुंठ दर्शन करायो, और बैकुंठ जब दर्शन करायो तो बैकुंठ दर्शन कराने के बाद में विनय वहां भ्रमण करो। भ्रमण करके जगह जगह पर चीजें देखी, नई नई वस्तुएं देखी, वहां विचित्र लीला देखी। तो विचित्र लीला देखने के बाद में वो ब्रजवासी कहने लगे कि लाला हमें तू यहां ते लेके चल, ई तेरो बैकुंठ तो खाने को आवे, हमारो बैकुंठ तो ब्रज है, हम तो ब्रज में ही रहेंगे, यहां हमें आनंद नहीं आयो। उन आंख खोल दो, और जैसे ही आंख खोली तो वो अपने ब्रज में दिखाई दिए। तो राजन इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों को प्रमाण दिया कि मैं भगवान हूं।
और दो ही मिनट में उनके साथ खेलते कूदते और बुलवा देते कि ये भगवान है क्या। दो मिनट लगाते मीठी मीठी बातें करते और वो लोग भूल जाते कि ये भगवान है क्या। तो उसी नंदलाल ने कार्तिक मास की पूर्णमासी की तिथि को, जिसको शरद पूर्णिमा के नाम से कहते हो, गोपियों के साथ में रास रचाया था। उस रास पंच अध्याय में चलते हैं राजन कि एक दिन सारी की सारी गोपियां माता कात्यायनी की पूजा कर रही थी और माता कात्यायनी की पूजा करने के बाद में माता कात्यायनी से प्रार्थना करती कि नंद गोप सुतम देवी कि हमें नंद को लाला पति के रूप में प्राप्त हो। जब कात्यायनी की पूजा करने लगी तो उन्होंने कही कि नंद को लाला प्राप्त हो, तो भगवान ने मन बना लिया कि मैं इनके साथ रास जरूर रचाऊंगा। रास का अर्थ क्या होता है? रास है क्या? रास शब्द से क्या मिलता है? रास को आज तक ना मैं समझ पाया ना संसार का कोई आदमी समझ पाएगा। रास एक अपने आप में भगवान का नाम है, वो रास नहीं है जो लोग रास के रूप में बदनाम करते हैं। कुछ राजनीतिक लोग कह देते हैं कि उसने रास रचाया, ये करा वो करा। कितनी उम्र थी भगवान की जब रास रचाया था, बताओ? कितनी उम्र थी भगवान की जब रास रचाया था गोपियों के साथ में? है जी, 100 साल के? 11 साल के? है जी, नहीं, 6.5 से 7 वर्ष के बीच की उम्र थी, क्योंकि गिरिराज पूजा से फ्री होते ही उन्होंने ये रास रचाया था। 7 वर्ष से ज्यादा 7.5 वर्ष की होगी, हो सकता है एक आध महीना ऊपर नीचे हुआ हो। 7.5 वर्ष का बच्चा एक स्त्री के साथ में क्या रास रचा सकता है? उस नंदलाल ने रास रचाया, क्या वो गलत सोच सकता है? अब मैं तुमसे एक छोटा सा प्रश्न करूं, मेरे प्रश्न का जवाब देना है आप सभी को। 7.5 साल का एक छोटा सा बच्चा आपको आई लव यू बोल दे, 7.5 नहीं, हंसने की बात नहीं है, बड़े ध्यान से सुनो मेरी इस बात को, क्योंकि मुझे पता है तुम कलयुगी लोग हो, सीधी उंगली से घी नहीं टेढ़ी उंगली से करके निकलेगा। मैं जब तक इस तरह की बातें नहीं करूंगा तब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बताओ 7.5 साल का बच्चा तुमसे आई लव यू बोल दे तो तुम क्या करोगे? जोर से बोलो। कि तुमसे 7.5 साल का बच्चा आई लव यू बोल रहा है तो तुम बड़े खुश होते हो और आनंदित होते हो और उसको गले लगा कर कहते हो कि बेटा दोबारा बोल, कहते हो ना? क्यों? क्योंकि ना तो तुम्हारे मन में काम वासना जागती है और ना उस बच्चे के मन में, तुम सिर्फ उसके एक नटखटपन को देखकर तुम उसको गले लगा लेते हो। तो उसी प्रकार जब 7 साल का नंदलाल इस तरह से वो कुछ कर रहा है तो क्या उसने गलत किया? क्या उसने गलत किया? नहीं किया। फिर लोग क्यों कहते हैं कि भगवान ने रास रचाया? क्यों बोलते हैं इस बात को? आज तक मेरी समझ में ना आया। भगवान ने रास रचाया तुम जैसे पागलन ने दिखाने को, तुम जैसे मूर्खों को बताने के लिए कि मैं सखी गोपियों के बीच में रहने के बाद भी काम वासना जागृत नहीं कर सका। तो अरे पागल हो, तुम संसार में रहते हो, दूसरे की बहन बेटी को गलत निगाह से देखते हो, देखो मुझे कि मैं स्त्रियों के बीच में रह के भी बिल्कुल साफ रह कर गया। ये रच करा भगवान ने, भगवान ने गलत नहीं करा। और फिर मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जिन गोपियों के साथ में भगवान ने रास रचाया वो गोपियां हैं कौन? वो गोपियां कौन है? भगवान के भक्त? तुम भी भगवान के भक्त हो? तुम नहीं हो भगवान के भक्त?
कि जिन गोपियों के साथ रास रचाया वो गोपियां ऋषि महात्मा थी। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ वो दांडक नाम के वन में गए और वहां हजारों ऋषि बैठे थे। उन्होंने उनके मन में इच्छा जगी कि इनकी सेवा करने का मौका हमें मिले, हम भी अपने रघुवर की गोपी बनना चाहती हैं। तो मेरे राम ने मनी मन में कहा कि अरे महात्माओं, इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, पर अगले जन्म में तुम गोपी होंगी और मैं कन्हैया होऊंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, सेवा का मौका जरूर दूंगा। वो हैं गोपियां, वो ऋषि महात्मा जो हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके बैठे थे, उनको कृपा मिली नंदलाल के साथ नृत्य करने की। आजकल तो बच्चों ने मतलब एक बड़ा फेमस सा बना रखा है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला, बच्चों ने बना रखा है। मतलब रास शब्द को इतना बदनाम करके रख दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान कृष्ण के ऊपर, अरे भगवान ने 16108 विवाह करे थे, हम अगर दो चार कर लें तो के हो जा, मैं की देख ले बेटा खोपड़ी पे अगर एक भी बाल बच जाए तो करके ही देख ले फिर तू, हाँ करके देख। अरे धन्य है उसकी छाती जो 16108 को सहन कर गया, तू तो दो ही करके दिखा दे। मुझे एक कथा याद आ रही है, किसी ने दो शादी कर ली थी, किसी ने दो शादी कर ली थी, और जब दो शादी की तो एक स्त्री ऊपर रहती और एक नीचे रहती, और बीच में सीढ़ी नहीं थी, वो बांस वाली सीढ़ी का वो सिस्टम था। तो एक ने कहा कि 6 महीने मेरे साथ रहेंगे, एक ने कहा कि 6 महीने मेरे साथ रहेंगे, इस तरह से उनमें आपस में फैसला हुआ। अब एक योग माया से ऐसी बनी कि फरवरी कितने में कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की, और जब फरवरी 28 दिनों की होती है तो नीचे वाले के हिस्से में वो फरवरी का महीना आ गया। अब वो तो 28 ही दिन गिनेगी, वो 30 दिन क्यों गिनेगी, 31 दिन क्यों गिनेगी। तो उसने 6 महीने के हिसाब से गिनती लगाई तो 2 दिन कम बैठे। उसने कहा कि नहीं, अभी मेरे पतिदेव 2 दिन और मेरे पास रहेंगे, जब तेरे पास आएंगे। अब नीचे से ऊपर से आवाज आ रही है कि जल्दी आओ, और नीचे से कहा जा रहा खबरदार जो ऊपर चले गए नहीं तो बीच में से नसें नहीं तोड़ दूंगी, हाथ पांव नहीं बचेंगे। अब वो बेचारा बताओ क्या करे, अब वो देखते देखते मतलब कि आधी नसेनी पे चढ़ने लगा। अब एक ने एक नीचे से हाथ पकड़ लिया, एक ने ऊपर से हाथ पकड़ लिया, बीच में खड़ा है नसेनी के में, जिसका जोर ज्यादा बन गया वो ले गिरेगा। अब बताओ कौन सा लेके जाएगा उसको। तो भैया दो उन पे लाले पड़ जाए हैं, वहां तो बहुत थे, भगवान की होड़ नहीं की जा सकती। और हमारे गुरुजी तो कहते थे कि भगवान की 16108 नहीं, भगवान का तो समस्त विश्व ही उनकी वो है स्त्री। एक प्रश्न करता हूं मैं आपको, भाई साहब भी बैठे हैं, अंकल जी भी बैठे हैं, तुम कौन हो, सब बताओ एक बार जोर से बोल के कि तुम कौन हो, जोर से बोलो। बंसीलाल, आत्मा। बाबूजी आप भी आत्मा हो, आप आत्मा हो, मानते हो आत्मा होती है या होता है? नहीं, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग का भेद बताओ, आत्मा होती है या होता है? जोर से बोलो, आवाज कम आती है तुम्हारी यहां तक। होती है आत्मा, होती है। तो आत्मा कौन सी हुई, हुई स्त्रीलिंग हुई या पुरुषलिंग? परमात्मा होता है या होती है? परमात्मा तो वो होता है, हम होती हैं, तो हम स्त्री हुई, वो हमारे पति स्त्री जो पुरुष रूप हुए, हम स्त्री हैं उसकी, और वो हमारा पति है, वो होता है, हम होती हैं। तो इसीलिए हम समस्त
चाहे हम स्त्री हो चाहे हम पुरुष हो, उसकी तो पत्नी ही है, क्योंकि हम आत्मा हैं। हमारा जो स्वरूप है वो एक आत्मा रूपी स्वरूप है। ये हार्ड मास का शरीर तो रामबाग तक रह जाएगा। जाना उसके पास आत्मा को और आना उसके पास आत्मा को है, तो आत्मा तो उसकी पत्नी है। तो वो चाहे 16,000 करे या वो 22 करोड़ करे, सब उसका है और किसी का नहीं है। बोलो राधे राधे। तो आज के बाद अभिमान मत करना कि मैं शकुंतला, मैं रूपवती, मैं कलावती, कोई वती नहीं है। यहां सिर्फ आत्मा है और वो परमात्मा है। इसीलिए कोई किसी को अभिमान नहीं करना, ये विशेष ध्यान रखना। कोई किसी को अभिमान नहीं करना है। तुम्हारे पति देव कहे ना कभी कि हम पुरुष हैं, तो उसको भी कह देना कि पुरुष नहीं तू भी स्त्री है, पुरुष नहीं तू भी स्त्री है, तुम सब आत्मा हो। आत्मा परमात्मा के यहाँ होती है, होता नहीं है, तो हम सब स्त्री लिंग है, पुरुष लिंग नहीं है। बोलो राधे राधे। तो उसी प्रकार धीरे धीरे शरद पूर्णिमा आई, कार्तिक मास शरद पूर्णिमा, और रात्रि के 12 बजे निधिवन में बैठकर मेरे नंदलाल ने बांसुरी का निनाद शुरू कर दिया, बांसुरी बजानी शुरू कर दी। और जैसे ही नंदलाल ने बांसुरी बजानी शुरू करी तो उन गोपियों ने बांसुरी को सुना तो सब एकदम उत्साह के मारे प्रसन्न होने लगी, और जो गोपी जैसा कर रही थी वैसा छोड़ छाड़ कर नंदलाल के पास भागने लगी। एक गोपी अपने पति को रोटी खिला रही थी, एक गोपी अपने पति को रोटी खिला रही थी, और रोटी खिलाते खिलाते जब उसने बांसुरी को सुना तो उसने पूरा जो आटा गूंदा हुआ रखा था उसको उठाकर उसकी थाली में रख दिया कि इसी को खा लियो, मैं तो जा रही हूं, अपने पति को छोड़कर भाग गई। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को नीचे धरती में छोड़कर तुरंत भागकर लाला के पास में चली गई। क्या कोई मां कर सकती है? ये था भाव, ये था विश्वास कि वो गोपी अपने लाला को छोड़ के वह लाला के पास में चली गई। और एक गोपी की तो और भी ज्यादा विचित्र कहानी है कि जब वो गोपी उस लाला के पास जाने लगी तो बाहर उसके पति और ससुर ने उसको रोक लिया कि कहां जा रही है तू, वह नंद के छोरा के पास में, वरना घर की इज्जत चली जाएगी तो नहीं जाएगी, और उसको जबरदस्ती पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। उस गोपी ने करा क्या, उस गोपी ने वहीं चित लगाया और कहने लगी कि तुम इस हार्ड मास के शरीर को उसके पास जाने से रोक दोगे पर इस आत्मा को नहीं रोक सकते। अपने सांस को वहीं रोका और शरीर को त्याग कर सीधी आत्मा को वहीं लाला के चरणों में ले गई, सीधी आत्मा को लाला के चरणों में ले गई। बताओ ये थी गोपियां, ये हैं गोपियां। गोपी बनना भी आसान नहीं है, बड़े भाग्य थे उन गोपियों के। आजकल हम मिनट मिनट पर ऑब्जेक्शन उठा देते हैं, कानून लगा देते हैं, तो इन गोपियों, ये सारी की सारी गोपियां, कोई कुछ कर रही थी कोई कुछ कर रही थी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर लाला के पास निधिवन में पहुंच गई। अब लाला ने देखी कि सारी की सारी गोपियां मेरी ओर आ रही हैं, तो उनको आते हुए जब देखा और देखते ही सर्वप्रथम तो लाला ने कहा स्वागतम वो महाभागो, कि तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, पर इतनी रात को तुम आई क्यों हो? अब गोपियों की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। 2 मिनट चिंतन करो इस सभी का कि रात्रि के 12 बजे हो, पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चारों ओर पक्षी चाह चू करने लग रहे हो, पेड़ ऐसे चमक रहे हैं, पेड़ों के फल जैसे कोई बल्ब लगा रखे हो,
नेत्र बंद कर कर उस छवि को निहारने की चेष्टा करो कि उस समय नंदलाल मेरे बांसुरी बजाते हुए कितने सुंदर लग रहे होंगे। क्यों सांवला तो वो था, और सांवला जब था तो सांवलेपन में जब सांवली रात को उसने ये बांसुरी बजाई तो क्या आनंद आ रहा होगा। नंदलाल ने कही कि अरे गोपियों, तुम यहां रात्रि को 12 बजे क्या करने आई हो? इतने घनघोर जंगल में रात्रि को 12 बजे तुम अपने घरों को छोड़कर आई हो, शोभा नहीं देता तुमको। अब गोपियों की नेत्रों में आंसू आ गए कि जिस नंदलाल के लिए, जिसकी बांसुरी को सुनने पर हमने घर छोड़ दिया, अपने पति को त्याग दिया, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध को छोड़कर चली आई, आज वो नंदलाल हमें पूछ रहा है कि हम क्यों आई हैं। नंदलाल कहता है चली जाओ यहां से। अरे लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे कि फलाने की बहू भग गई। कहते हैं ना, आज तुम चार मैया बैठ जाओ, पड़ोसी कहेगा बाबा जी इनके चक्कर में लगी रहे। कहते हो ना ऐसे ही, अरे लोग क्या कहेंगे। तो वो कहती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, तुम बताओ तुम हमें स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। भगवान ने बार बार समझाया पर गोपियों ने हट लगा ली कि हम नहीं जाएंगे, हम तो छोड़ आए सबको, नहीं मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पतियों को मैं समझाऊंगा कि इसकी वजह से ये आई थी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मैं बाबा को साथ में लेकर आऊंगा। क्योंकि नंदलाल उनकी परीक्षा ले रहे थे। वो गोपियां कहने लगी कि लाला अब तो तू चाहे कितनों भी कह ले, अपने प्राणन को यहीं त्याग कर देंगे पर अपने घर को लौट के न जाएंगे। नंदलाल कहने लगे कि गोपियों ठीक नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, मनहा तुम कहते हो कि आज हम रात्रि को पराये पुरुष के पास आ गई हैं और हमारा पतिव्रता धर्म जो है नष्ट हो जाएगा, कि कभी भी स्त्री सपने में भी पराये आदमी के बारे में सोच ले या मन में भी सोच ले तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है, उसको फिर यमराज क्षमा नहीं करता। तो वो कहती है कि तुम कह रहे हो कि हम अपने पतियों को छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं तो हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, आप हमारी एक प्रश्न का जवाब दे दो और हम जो तुम कहोगे वो हम करने को तैयार हैं, हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दो। गोपियां कहती हैं कि नंदलाल एक छोटा सा प्रश्न करती हूं। नंदलाल कहता है कि हाँ बताओ क्या प्रश्न है। एक स्त्री इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि बिना पति के नलाए धोए या बिना पति के आशीर्वाद और बिना पति को भोजन कराए बगैर खुद भोजन नहीं करती थी। अब उसके पति को कारण बस बाहर जाना पड़ गया, अब बताओ उसको क्या करना चाहिए। जिसका पति उसको बिना भोजन कराए वो भोजन नहीं करती थी, वो स्त्री जब उसका पति किसी कारण से बाहर जा रहा है तो उस स्त्री को क्या करना चाहिए बताओ। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, तुम बाहर जा रहे हो, मेरे पतिव्रता धर्म का क्या होगा, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो गोपी कहने लगी एक काम कर देवी, मैं तुझे एक मिट्टी का पुतला बनाकर दे के जा रहा हूं, इस पुतले को तू मुझे समझना, इस पुतले को तुम मुझे समझना और इस पुतले की रोज पूजा करके भोग लगा के तू खाना खा लिया करना, तेरा पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा। और उसका पति उसको एक मिट्टी का पुतला दे गया और वो रोज की भांति अपने उस पुतले की पूजा करे,
स्नान आदि कराए, भोग लगाए और उसके बाद में खुद भोजन करे। काफी समय व्रतीत हो गया, व्रतीत होने के बाद में एक दिन सुबह सुबह वो स्त्री अपने पति को, पति के पुतले को स्नान करा रही थी, पूजा कर रही थी कि गेट से आवाज आई, अरे भगवान दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अब बताओ नंदलाल, वो अगर पुतले की पूजा छोड़े तो उसका पति व्रत धर्म नष्ट हो जाए, क्योंकि उसने अपने पति की पूजा अधूरी छोड़ दी। अब गेट पर उसका रियल पति खड़ा है और वो आवाज दे रहा है कि दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। उसको ना खोलने जाए तो भी उसका पति व्रत धर्म नष्ट हो जाता है। अब उसको क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि अब तुम हमारा फैसला करो, उसको करना क्या चाहिए। तो नंदलाल ने कहा कि बड़ी पागल हो, बड़ी पागल हो। अरे जब तुम्हें पता है मेरा रियल पति मेरे दरवाजे पर आ गया है तो उस मिट्टी के पुतले की पूजा करने की क्या जरूरत है। तुरंत सखियों ने कहा कि तुमने फैसला कर दिया, अरे ये कलयुग में तो सब मिट्टी के पति हैं, रियल पति तो तुम हो हमारे। जब तुम मेरे सामने हो तो इनका हम क्या करेंगे, कि जब तुम हमारे सामने हो तो मुझे मिट्टी के पति नहीं चाहिए। तो जब हमारा रियल साक्षात पति परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है तो हमें इस मिट्टी के पुतले की पूजा नहीं करनी है। तो अब बता दो हमारा धर्म कहां से नष्ट हो जाएगा। नंदलाल समझ गया कि आज ये पागल हैं, प्रेम की दीवानी हैं, ये ऐसे नहीं समझेंगे। इधर से कामदेव जी आ गए। कामदेव जी कहने लगे कि प्रभु मैं दो दो हाथ करना चाहता हूं आपके साथ में। कामदेव को जानते हो ना सब, कि मैं दो दो हाथ करना चाहता हूं। तो कामदेव कहने लगे कि बताओ किस तरह से दो दो हाथ करोगे, धनुष बाण वाला युद्ध करोगे या रंगमंच वाला युद्ध करोगे। उन्होंने कहा कि कोई सा भी युद्ध कर लो जो आपकी इच्छा करे। वन ठीक है, निधि वन में शरद पूर्णिमा की तिथि को रात्रि को 12 बजे मैं गोपियों के साथ नृत्य करूंगा, जितनी ताकत हो तू उतना युद्ध कर लियो। क्यों? क्योंकि कामदेव को अभिमान था कि मैंने किसी भी भगवान को नहीं छोड़ा, अभिमान था, भोले बाबा को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, तो इस नारायण को मैं कैसे छोड़ दूंगा। पर उसको ये नहीं पता था कि नारायण तेरे अभिमान को तोड़ने के लिए ही ये सब कर रहा है। कामदेव को अभिमान हो गया कि जब कोई पुरुष स्त्रियों के साथ में रहेगा तो कामना वासना तो पैदा हो ही जाएगी और मैं जीत जाऊंगा। पर उसको ये नहीं पता कि ये वासना पैदा करने वाला भी तो नारायण ही है, उसके ऊपर कैसे कर जाएगी, उसके ऊपर कैसे वासना पैदा कर जाएगी। और उसके बाद ये सूचना और इस सब लीला को कौन देख रहा था, इस लीला को कौन देख रहा था? माता पार्वती। माता पार्वती इस लीला को देख रही थी, उनसे भी रहा नहीं गया और वो खुद गोपी बनकर उस रास में आने को तैयार हो गई। अब भोले बाबा ने पूछा, भोले बाबा ने पूछा कि पार्वती आज तुम सज धज कर कहां जा रही हो। अब माता पार्वती कहने लगी कि कन्हैया रास रचा रहे हो है, कन्हैया रास रचा रहे हो है, और जब कन्हैया रास रचा रहे हो तो मैं गोपी बनकर वह रास में भाग लेने जा रही हूं। अच्छा मन, हां मन, तो फिर मैं भी तेरे संग चलूंगा और मैं भी तेरे पास पहुंचूंगा और मैं भी वह रास में जरूर जाऊंगा। अब माता पार्वती कहती है कि नहीं नहीं, वहां पर पुरुषों की एंट्री नहीं है, वहां तो सिर्फ स्त्रियों की एंट्री है। वन कोई बात नहीं है, तू अपनी साड़ी हमें दे दे और बिंदी लिपस्टिक क्रीम पाउडर जो भी है तेरे सबन ने दे दे और मैं गोपी बनकर
चलूंगो। और बाबा बार बार माता पार्वती को प्रार्थना करते हैं, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। सहेली मेरी ऐसी, देखो बात हमारी वृंदावन आ
वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान को देखो कि भोले बाबा खुद ब्रज की नारी बनकर उस रास में आ रहे हैं। तो माता पार्वती कहती है कि नहीं नहीं, वहां पर तो सिर्फ एक ही पुरुष रहेगा, वो भी नंदलाल, तो उसके अलावा कोई वन की मैं उस नंदलाल से प्रार्थना कर लूंगा, मैं तेरी साड़ी पहन लूंगा, तेरी लिपस्टिक लगा लूंगा, परंतु तुम वो जरूर लेके चल। तो माता पार्वती ने कहा कि जाओ तो यमुना में स्नान करो, और जैसे ही भोले बाबा ने यमुना में स्नान करा तो उसी दिन से वृंदावन में गोपेश्वर नाम से भोले बाबा पधार गए। बोले गोपेश्वर भगवान की कि गोपी स्वरूप बनकर उनका आया और उन्होंने भी रास में एंट्री कर ली। और जब रास में जब एंट्री की करने के बाद में भगवान कृष्ण ने उन गोपियों के साथ में रास रचाना शुरू कर दिया। अब रास रचाना शुरू कर दिया, जैसे ही रास रचाना शुरू हुआ तो उन गोपियों को अभिमान हो गया
बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात का, कि उन गोपियों को अभिमान हो गया कि हमारे बगैर भी या को काम न चले। जब उनको अभिमान हुआ तो अभिमान होने के बाद में भगवान ने सोचा कि अभिमान तो भगवान ने अच्छे अच्छे का नहीं रहने दिया, तो तुरंत राधा को लेकर वहां से बोले काना गायब हो गए। अब सब गोपियां खड़ी की खड़ी रह गईं और काना राधा को लेकर गायब हो गए। अब सब गोपियां इधर से उधर देखती हैं कि नंदलाल कहां गया। सारी गोपियां इधर से उधर देख रही हैं, नंदलाल कहां गयो, नंदलाल कहां गयो। अब गोपियां रुदन करने लगी और गोपियां जब रुदन करने लगी तो इधर से मेरे प्रभु जो राधा को संग में लेकर गए थे उनको भी अभिमान आ गया था कि इनका भी मेरे बगैर काम। तो राधा कहने लगी कि प्रभु बड़ी थक गई हूं, अब नहीं चल सकती, क्यों ना तुम मुझे अपने कंधों पर बिठा लो। भगवान ने कहा कि बैठो राधे। भगवान थोड़े झुके और झुकने के बाद में जैसे ही राधे ने पैर रखने की कोशिश की तो भगवान सोच गए कि इसको भी अभिमान आ गया, वहां से भी भगवान गायब हो गए। बोलो राधे राधे। इधर से गोपियां ढूंढती हुई आई, राधे को मूर्छित अवस्था में देखा और राधे को जब मूर्छित अवस्था में देखा तो उस पर यमुना जल के छींटे लगाए, राधे की मूर्छा अवस्था खुली। गोपियां कहती हैं कि राधे हमने सोचा कि नंदलाल हमें छोड़कर गए हैं, पर तुम्हें क्यों छोड़कर चले गए। लाडली कहती है कि जो अभिमान तुम्हारे अंदर आया था वही अभिमान मेरे अंदर आ गया। अब राधा और गोपियां नंदलाल को ढूंढती है। कभी पृथ्वी माँ को पूछ रही हैं, अरे पृथ्वी तेरे तो पग पग पर मेरे नंदलाल ने कदम रखे हैं, तो पतो होगी कि हमारे काना कहाँ गए हैं। दूसरी सखी रोती हुई कहती है, अरे तो ना पतो ई हमारी सोत है, ई काय को बता दे गई हमें कहाँ गए हैं हमारे नंदलाल। यमुना मैया ते पूछ रहे हैं कि अरे यमुना महारानी तू ही बता दे हमारे नंदलाल कहाँ गए हैं। दूसरी सखी कह रही है, जैसी ई कारी है ऐसो या को मन कारो है, ई भी ना बतावे कि हमारे नंदलाल। अब देखो उनके अंदर कितना प्रेम प्रकट हो रहा है। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरे श्याम देखे, राधा ढूंढ रही है कि किसी ने मेरे श्याम देखे। उन्हीं में से एक सखी कहती है कि राधे तेरे श्याम हमने, राधे तेरे शाम हमने वृंदावन में देखे, रास रचाते हुए किसी ने मेरे श्याम देखे। राधे पूछती है दूसरी सखी को, अब वो सखियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं, कभी पीपल को पूछती हैं, कभी बड़ को पूछती हैं कि तुमने तो देखा होगा, पर कोई जवाब उनको। अब रोने लगती हैं, रुदन करने लगती हैं और कहते हैं कि नंदलाल तुम समझते हो कि हम तुम्हारी याद में तड़प तड़प के मर जाएं, तुम समझते हो हम तुम्हारी याद में तड़प तड़प के मर जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे निर्मल तो वो था राजा दशरथ जो राम राम कहकर भी अपने प्राण छोड़ गया, तूने मुड़कर भी नहीं देखा, तू कठोर है तू कठोर है। गोपियां तरह तरह के प्रसंग सुनाती हैं, कभी भगवान को गुस्से में आके गाली देती हैं, कभी भगवान से कहती हैं कि हमसे अपराध हो गया हमें क्षमा कर दो। और गोपियां कहती हैं कि तुम चाहते हो राजा दशरथ की तरह हम भी काना काना कहकर अपने प्राण त्याग दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे हमने तो तेरी कथाओं को जीवन में उतारा है और उन्हीं से हम जीवन यापन कर लेंगे। तुझे आना है तो आजा, नहीं तो मत। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, कि ये जो कथा है ये मेरा जीवन है। कि तब कथा मृतम तप्त जीवनम, कवि विरीडित कलम साहब, कि अरे नंदलाल तुझे आना है तो आजा, नहीं तो हमने तो कथा को ही अपना संपूर्ण जीवन बना रखा है और कथा में ही हम अपने संपूर्ण जीवन को लगा देंगे। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। हमारा जीवन अगर कुछ है तो तेरी कथा है। भगवान ने सुना तो सुनते ही भगवान तुरंत उन्हीं के मध्य में प्रकट हो गए। बोले नंद के लाला की जय। भगवान उनके मध्य में प्रकट हो गए। सखियां लिपट गईं ठाकुर को, कहने लगी कि तू हमारे बीच में है और हमें पतो भी नहीं, क्योंकि नंदलाल गोपी बन के भी उनके बीच में खड़े हो गए। वो कहीं गए नहीं थे, वो उनको देख रहे थे क्या करती है, वो वहीं खड़े हो गए। और उसके बाद में भगवान ने फिर दोबारा से उनके साथ पूर्ण रास रचाया। तो आइए सभी सिर को ढक लें, मेरे साथ गोपी गीत का पाठ करना है आप सभी को। और गोपी गीत और भागवत का प्रथम श्लोक कभी भी बिना सिर ढके नहीं करना चाहिए। तो सभी सिर को ढककर गोपी गीत का पाठ करेंगे। हाथ जोड़कर कहते हैं कि भागवत में दसम स्कंद में जो रास पंचाध्याय के गोपी गीत का रोज पाठ करता है, नंदलाल हमेशा उसके साथ रहता है, उससे दूर नहीं रहता है। सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कि राधा बैठी है, गोपियां बैठी हैं, और राधा और गोपियां उस नंदलाल के साथ में नित्य कर रही हैं, और नित्य करते करते उनकी अश्रुधारा बह रही हैं, और अश्रुधारा बहते बहते नंदलाल को प्रार्थना कर रही हैं। तो आइए कि राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। कि सबसे पहले एक छोटा सा भाव और भाव रखने के बाद में, उसके बाद क्योंकि राधा नाच रही है, गोपियां नाच रही हैं, नंदलाल नाच रहे हो और अपने मन को वृंदावन बनानो है। क्योंकि जब तक तुम उस वृंदावन की भूमिका को नहीं उतारोगे तब तक तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। राधा नाचे कृष्ण भी नाचे, राधा नाचे कृष्ण भी नाचे, नाचे गोपी जन, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन, ओ पावन वृंदावन। चंदा नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे,
नाचे नाचे तारागण, ओ नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सकीरी, मन मेरो बन गयो सकीरी, पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण भी नाचे, राधा नाचे कृष्ण भी नाचे। नाचे गोपी जन
बार जोर से बोलो कि राधा नाचे कृष्ण भी नाचे, नाचे गोपी मन मेरो बन गयो सखीरी। अब कुन कुन को मन बनो है, बस इतने आदमी को मन बनो है। अभी छेद ना है के पंडित जी ने कथा सुनाते सुनाते तुम्हारो मन ही वृंदावन ना बनो। बताओ कुन कुन को मन वृंदावन बनो है। बस चार पांच दस बीस पच्चीस। अभी यहाँ बहुत मैया तो ऐसी बैठी हैं, वो ये सोच रही हैं कि पूछ का रहे हो। अभी तो पूछ मैया यो सोच रही हैं कि पूछ का रहे हो। अरे मैया मकान की रजिस्ट्री ना लो, चिंता मत कर। तारो कौन कौन को मन वृंदावन बन गया है। अच्छा तो आइए अब गोपी गीत का पाठ करेंगे। बड़े पवित्र मन के साथ में जिन्होंने सिर को नहीं ढक रखा है दोबारा से पुनः सिर को ढक लें। ये बहन बेटी जितनी बैठी हैं अपने सिर को ढककर बैठे, क्योंकि बिना सिर ढके गोपी गीत का पाठ नहीं होता। तो सभी हाथ जोड़ लीजिए। जयत जीतिकम् जन्मनाभृजम् श्रामेन्द्रकम् शरदपातिम् नद्यदाशितम् दिक्षुतापकम् स्वस्त्रदाजनम् दिग्मनोजते शरदराशये साधुजात्यनम् सत्यराशजो शाक्यराशकम् विश्वगुप्तये चक्ष अप्तिव्यम् तत्तमाङ्कुले विद्ययाजकम् तद्यदुर्यते चरणनिगमम् सर्वपाम्बुजे करारसूयतम् कान्तकादयम् शिर्षते नयेत्रिकारते जाननम् वीरयोषितम् निद्यजाननम् शक्रताम्यभे भजोषके वाभ्यदेम निजवातरो शारदर्शनम् दार्यदर्शनम् तारतीर्यम् पापकर्षणम् दर्शनाशुभम् श्रीकेशिते तव यलानकम् देनपाध्वजम् तनुकोचने प्रतिपेक्षतम् मधुराय गिरावाय मोक्षदेवितम् बुधायोग्य पुष्पकरे नाटनादनम् विधिकारिकम् वीरमाद्यम् धुनाशादनम् नाभ्यमादये तम् तृप्त्यजीवनम् कविवीर्यलम् कल्पमाशमम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदात्मनम् भूमिगर्वते भूव्यदायनम् यजव्यायनम् प्रियप्रेमकम् देवभक्षणम् देहनाध्वजम् हरिवेश्यकम् शकुंजनो मनोशोभ्यते चालदी हरे चल
तुलसियाय ब्रजनम मनुनाय सुंदरम नाथ पदम त्रिशूल जिनको बरसों में नंदलाल मिलता है उसको उसको मात्र 108 गोपी गीत के पाठ करने से संग बराबर नंदलाल खड़ा मिलता है। तो इसीलिए गोपी गीत का नित्य घर में पाठ जरूर करा करें। तो इस प्रकार मेरे नंदलाल ने गोपियों के साथ में रास रचाया। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन ये है कृपा उसकी, ये है कृपा उसकी, किसको जीव बना दे किसको जड़ बना दे कोई नहीं पता किसी को कुछ भी, वो किसको कहां क्या कर दे। और वो गोपियां जब अपने घर लौट के गईं तो उन गोपियों के घर वालों ने इतनी पूजा की सेवा की कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों? जो भगवान का हो जाता है फिर दुश्मन भी उसकी ही हो जाते हैं। भगवान ने ऐसी बुद्धि को बदल दिया कि 6 महीनों तक जो रास चला किसी के घर वालों ने कोई भी आपत्ति नहीं जनकने दी और उनकी सेवा अर्चना खुद पतियों ने की क्योंकि वो नंदलाल की हो गई थी। तो राजा परीक्षित कहता है प्रभु समझा नहीं, भगवान धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं, भगवान धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं और उन्होंने ये रास रचा कर क्या बताना चाहा मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा कार्य करने से क्या धर्म की रक्षा होती है? ऐसा कार्य करने से क्या धर्म की रक्षा होती है? प्रभु समझा नहीं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन ईश्वर वही है जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखराशी।
कि ईश्वर वो है जो जीव अविनाशी है, भगवान जो करेगा क्या उसको हम करेंगे? भगवान जो करेगा क्या उसको हम करेंगे? बताओ, भगवान ने 16108 विवाह किए तो तुम कर लो? अरे भगवान ने जहर पिया था, तुम पी के दिखा दो? भगवान ने जब, मैंने कल बताया था ना, वृंदावन में आग लगी थी ब्रज के अंदर, तो उस आग को भगवान पी गए, तुम पी के दिखा दो? अगर राम बाग के दर्शन ना हो जाए तो बोलो राधे राधे। भगवान ने 7 दिन की अवस्था में पूतना का वध किया था, तुम 7 दिन के बच्चे होके एक लकड़ी को तोड़ के तो दिखा दो? तुम 7 दिन के बच्चे होके एक लकड़ी को तो तोड़ कर दिखा दो? उसने इतनी 15 किलोमीटर लंबी पूतना का वध कर दिया। भगवान जो करेगा क्या हम वही करेंगे? अरे वो तो हमें सिखाने को मौका देता है बार बार, वो हमें प्रेरणा देता है इन लीलाओं को करके कि बेटा जीवन में ऐसा करना है। क्यों? क्योंकि राम जी ने जीवन में हमेशा मर्यादा को झलकाया है और कृष्ण ने हमेशा लीलाओं को झलकाया है, इसी से पूर्ण ब्रह्म बनाया है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो नंदलाल ने रास रचाया, रास रचाने के बाद में कंस ने उनको मारने के लिए अन्य अन्य प्रकार के राक्षस भेजे, पहले भी कम नहीं भेजे, अब भी उनको मारने के लिए बहुत राक्षस भेजे। शंखचूड़ नाम का राक्षस भेजा, मायासुर नाम का राक्षस भेजा, अरिष्टासुर नाम का राक्षस भेजा, अन्य अन्य प्रकार के राक्षस भेजे, पर मेरे नंदलाल ने सबका उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे, सबको मोक्ष दिला दिया मेरे नंदलाल ने। अब नारद जी ये सब नीचे से देख रहे हैं, नारद जी ये सब देख रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि अगर नंदलाल इन लीलाओं में लगे रहेंगे तो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो होगा ही नहीं, कि जिस काम के लिए आए थे उस काम को शायद नंदलाल भूल गए हैं। और नारद जी को लगा कि अब समय काफी हो चला है कि प्रभु जिसके लिए आए थे वो उनको करना चाहिए। और नारद जी सीधे कंस के पास पहुंच गए। कंस के पास नारद गए, बोलो राधे राधे। पिताजी श्री राधे, बोलो संत भगवान की, कितने सौभाग्य हैं आपके कि आपको गोविंद कथा तो प्राप्त हो ही रही है, साथ में संतों के दर्शन भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। कहते हैं संतों के दर्शन भी जन्मांतरेत भवेत पुण्यम, अनेक जन्मों के जब पुण्य दे होते हैं तभी जाकर संतों के दर्शन हो पाते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो संत भगवान की। एक बार जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, दोबारा बोल के सुनाओ। राधे राधे। हमारे मध्य में
पधारे हुए गुरुजन रूप, मैं उनको व्यासपीठ की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। और बड़ा भाग्य है हमारा कि अगर संत दर्शन हो जाएं तो समझ लेना आपका यज्ञ अनुष्ठान सफल हो गया। उनके लिए एक बार जोर से राधे राधे बोलिए, क्योंकि यह भी बड़ा ये भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। संतों का आगमन कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता, संतों का आगमन कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता है। और संत जहां आता है या संत जहां आते हैं वहां कुछ ना कुछ कर जरूर जाते हैं। तो यहां पर गुरु रूप में पधारे हुए, मैं नाम तो नहीं जानता हूं पर मेरे लिए तो गुरु तुल्य है, तो मैं व्यास पीठ की ओर से उनको नमन करता हूं और बहादुरगढ़ की भूमि में उनका स्वागत करता हूं। एक बार इनके लिए जोरदार जयकारा लगाइए और जोर से लगाइए, एक बार और लगाइए, राधे राधे। कम से कम ये हमारे ब्रज भूमि में जाएं तो कहें कि बहादुरगढ़ के वासी दीवाने हैं राधे के। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व मैं प्रार्थना करता हूं कि वो भी दो शब्द अपने मुख से कहें, काफी दूर से चलकर आए हैं और बड़ी विनती की है जब आए हैं। बोले नंद के लाला की जय हो। जो मैया हमारे गुरु तुल्य प्रभु का स्वागत करना चाहती हैं वो मंच पर आए, और जो माताएं चार पांच माताएं हैं जो महिला मंडल से समस्त जुड़ी हुई हैं वो भी मंच पर आए, एक बार इनका स्वागत करें। क्योंकि घर पर संत आना समझ लेना भगवान का आना होता है। और आइए एक दो जना ही आ जाओ, ज्यादा भीड़ भाड़ करने की जरूरत नहीं है। बोले राधे 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 राधे। नहीं तो नारद जी कंस के पास में गए, बड़े ध्यान से सुनो आप मेरी ओर देखो। नारद जी कंस के पास में गए और कंस को जाकर कहने लगे कि अरे कंस तू यहाँ क्या कर रहा है, तू आराम से बैठा है, तुझे मारने वाला तो नंद के घर में है, तुझे मारने वाला नंद के घर में है, और अब तक तूने जितने भी राक्षस भेजे हैं ना उसी ने मारे हैं, और देख अभी तो वो छोटा है, तू अभी उस पर काबू पा सकता है, अगर वो कल को बड़ा हो गया तो उससे जीतना फिर संभव नहीं है। और महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। अब चाहे तुम कुछ भी करो, परसों मैं तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। मार दो उसको, ना रहेगा सांप और ना बजे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। अब नारद जी कहने लगे कि राजन मेरा मैं तो जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं चाहता, परसों मैं तुम्हारे विजय का झंडा देखना चाहता हूं कि तुमने अपने काल को खत्म कर दिया। भड़का गया वो कंस को नारद जी। इधर से नारद जी ब्रज में आए, और ब्रज में आने के बाद में ब्रज में कान्हा से मिले और कहने लगे कि कान्हा अरे तुम्हें चिंता है किसी चीज की, तुम लीलाओं में लगे हुए हो, तुम लीलाओं में लगे हुए हो, तुम भूल गए अपने माता पिता को जो जेल में पड़े हैं, भूल गए अपने माता पिता को, भूल गए उन विप्रों के दुखों को, भूल गए उन संतों के दुखों को जो कंस पग पग पर दुखी कर रहा है, और मैं कुछ नहीं चाहता प्रभु, मैं तुम्हारी परसों विजय देखना चाहता हूं।
मैं कुछ नहीं चाहता, खत्म कर दो अब उस राक्षस को, और परसों मैं तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं, और नहीं चाहता मैं कुछ भी। अब भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि नारद जी ये तो बताओ वहां क्या कह के आए हो, मेरी तो परसों विजय देख ली पर वहां क्या कह के आए हो। नारद जी बोले नहीं नहीं वहां मैं ऐसा कुछ नहीं, वहां भी मैं कह के आया हूं कि परसों मैं, आगे नहीं बताया विजय की कह के आए थे या हार की कह के आए थे। तो भगवान मुस्कुराए बन की ठीक है आपके कहने से परसों हम विजय प्राप्त कर लेंगे। अब कंस ने आपातकालीन मीटिंग की, अक्रूर को बुलाया और कहा कि अक्रूर तुम नंदगाम जाओ, तुम नंदगाम जाओ। और नंदगाम जाकर जो नंद भवन में कृष्ण और बलराम जो वासुदेव के पुत्र हैं उनको लेकर आओ। अक्रूर जी बोलने लगे कि क्यों उनका क्या करोगे? वन नहीं नहीं हमने जो ये धनुष मेला लगाया है उस धनुष मेला को देखकर तो जाएंगे, अरे वो हमारे भांजे हैं। अक्रूर जी सोचने लगे कि वो तेरे भांजे नहीं है, तू उनको मारना चाहता है और इसीलिए उन तू छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को धनुष मेला का लोभ दे रहा है। अक्रूर सोचते हैं कि अगर मैंने राजा की बात को टाला तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, और मैं अगर उनको लेकर आया तो ये उनको नहीं छोड़ेगा। पर अक्रूर ने मन मना लिया, क्यों? अक्रूर जानता था कि वो नारायण है, वो परम ब्रह्म है। तो अक्रूर जी कंस के कहने से नंदगांव के लिए कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आ जाते हैं। अब मथुरा से चलते हैं अक्रूर जी, और जैसे ही नंदगांव की सीमा में प्रवेश करते हैं, नंदगांव की सीमा में प्रवेश करते ही अजीब सा विचित्र उनको एक दृश्य दिखाई देता है। छोटे छोटे नन्हे गोपाल हैं, कृष्ण बलराम उनके साथ में खड़े हैं और गायों को चारों ओर से घेर रहे हैं। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं धन्य हो गया इस छवि को देखकर। और अक्रूर सोचते हैं कि इन नन्हे नन्हे से बच्चों को मैं उस हत्यारे कंस के पास लेकर जाऊंगा। अक्रूर जी से कृष्ण बलराम मिलते हैं, अक्रूर जी सारी कथा बताते हैं, तो कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को नंद भवन में ले जाते हैं। नंद भवन में जब अक्रूर जी जाते हैं तो नंद बाबा और मैया यशोदा उनकी पूरी सेवा करती है। जब भोजन करा रही थी, भोजन कराते कराते अक्रूर ने कहा कि मैं इन कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। अब जैसे ही अक्रूर ने कहा कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं, मैया धड़ाम से ऊपर से नीचे गिर गई और रोते हुए कहने लगी कि मेरे लाला कहीं नहीं जाएंगे। अक्रूर तू अक्रूर नहीं तो क्रूर है, अक्रूर क्रूरता तेरे मन में बसी है और नाम तूने अक्रूर रख रखा है। अरे जाद नाते मेरे लालान को जन्म भयो है, वही दिनाते हत्यारों कंस, पग पग पर मेरे बालकन ने मारने को डोल रहे हो है, और तू बाकी नगरी में मेरे इन लालान ने लेके जागो, कतई नहीं भेजूंगी। अब काना सोचते हैं कि मैया की बात्सल्य दृष्टि है, और मैया की ऐसी दृष्टि है, और अगर हम वहां नहीं गए तो हमारा कार्य पूर्ण नहीं है। लाला रोते हुए गए, कहने लगे कि मैया तू काय को चिंता कर रही है, तू ना चाहे हमारी खुशी। मन लाला मैं तेरी खुशी ही चाहूं, पर मैं तो वह हत्यारे कंस की नगरी में बिल्कुल ना भेजूंगी। मैया यशोदा बार बार मना करती है लाला के कि मैया तू या को मतलब तू हमें न कहीं भेजेगी, हम या चार दीवारी में बंद रहे, तू ना चाहे कि हम मेलो देख के आवे।
ए मैया तू ना चाहे हम मेलो देख के आमे, तेरे बालक बार कहीं घूमेंगे जभी तो दुनिया देखेंगे, यहाँ भीतर बैठे बैठे दुनिया कैसे दिख जाएगी मैया। अब तो यशोदा मैया रोती है, कान्हा को बार बार गले लगाती है। अरे लाला तो एक कहा पतो है, जब तू छोटो सो थो, जब मैंने जोगी ते कह दई कि मैं अपने घर में ही आपको ब्याह करा दूंगी, बाहर बिल्कुल ना भेजूंगी, तो अब तो मैं बाहर कैसे भेज दूं। तू मेरो हृदय है, मेरो तू दिल है, अगर तू मेरे पास ते चले गो तो मैं जीवित ना रहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगी। कान्हा बार बार मैया को समझा रहे हैं और बार बार कान्हा उदाहरण दे रहे हैं मैया को, पर मैया मानने को तैयार नहीं। मैया कहती है बिल्कुल नहीं भेजूंगी। कान्हा कहते हैं कि मैया आज जा रहा हूं, परसों लौट के आ जाऊंगा, आज जा रहा हूं परसों लौट के आ जाऊंगा, तुम वो जान देना। मैया कहती है कि लाला मैं तो तोय भेज दूंगी, पर उन गायन को कहा होगो जो गाय सुबह सुबह जब तक आवाज लगाती रहती हैं, जब तक तेरो दर्शन ना हो। उन गोपीन को कहा होगो जो गोपियां मिलने के लिए एक बहाना बनाकर रोज तहना लेकर मेरे द्वार पर आती थी, या तेरे बूढ़े बाबा को कहा होगो, बछरान को कहा होगा, वो तू यो तो बता दे जभी तो मैं तेरे संग जाऊंगा, जभी तो मैं तो भेज सकू, नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं भेजूंगी। अब नंदलाल मैया को दिलासा दे रहे हैं कि मैया मैं आज जा रहा हूं, परसों लौट के आ जाऊंगा। मैया ने मैया को नंदलाल ने समझा बुझाकर बेला बचवा कर मना लिया, और अक्रूर के साथ में मेरे बलदेव बलराम और कृष्ण दोनों जाने लगे। जैसे ही अपने महल की चौखट को पार किया तो देखा कि हजारों गोपी गोपिकाएं रुदन कर रही हैं और रो रही हैं, गाय पशु पक्षी रुदन कर रहे हैं, क्योंकि पूरे ब्रज में बात फैल गई थी कि आज लाला को लेने को कोई मथुरा ते जरूर आया है। आंख बंद करके ध्यान कर लगा कर देखो कि उस छवि को उन ब्रजवासियों पर क्या बीती होगी, जिन ब्रजवासियों ने उसको गोदी में खिलाया था, जिन ब्रजवासियों ने उसको बार बार माखन चोरी कराने के लिए प्रेरणा दी थी, जिन ब्रजवासी समझ लो उसके आने से जी पुनः जीवित हो गए, उन ब्रजवासियों पर क्या बीत रही होगी। अब लाला ने देखो कि हजारों गोपी गोपिका खड़े हैं, लाला के मन में आई कि इन्हें कैसे समझाऊंगा, एक मैया समझाने में वो इतनो टाइम लग गयो तो इन्हें कैसे समझाऊंगा। बार बार लाला उन ब्रजवासियों को उन गोपिन को दिलासा देते हैं, पर कोई भी समझने को तैयार नहीं है। गोपी रुदन करती कहती हैं कि नंदलाल हमसे ऐसो कौन सो अपराध है गयो, जा अपराध के नैया तू हमें छोड़ के जा रो है। हमें तू यो तो बता हम पे ऐसी कौन सी गलती है गई, जा गलती के नैया तू हमें छोड़ के जा रहे है। क्योंकि उन ब्रजवासियों को लगा कि आज से बड़ा दुर्भाग्य हमारा कहीं नहीं है, आज ही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे शरीर से प्राण निकलकर जा रहे हैं। जिस समय लाला जाने लगे उस समय 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था थी लाला की। 11 वर्ष 56 दिन के नंदलाल जब जाने लगे तो गोपियां कहती हैं कि लाला तू माखन चोरी करने आवे हो और हम तो बार बार रोके, तू कहीं या मारे तो हमें छोड़ के ना जा रहो,
हम तेरे सामने कसम खा रही हैं, आज के बाद मैया ते कोई तहनो लेके नहीं आवेंगी, पर तू हमें छोड़ के मत जावे लाला। हमें तू यो बता कौन सो ऐसो हमने अपराध कर दियो जाकी वजह ते तू हमें छोड़ के जा रहे हो। तू सोच तो होगो कि हम तो बार बार तेरे काने पकड़ी, कभी तो छचिया भरी छाच पे नाच नचावेई, तू कहीं या मारे तो हमें छोड़ के नहीं जा रहो। लाला कहते हैं कि नहीं नहीं गोपियो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इसलिए नहीं छोड़कर जा रहा, मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम अधूरा रह जाएगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो। गोपियां कहती हैं कि फिर हमसे तुमने प्रेम क्यों किया था, हमें तुम्हें अपना क्यों बनाया था, जब हमको छोड़कर जाना था तो क्यों लगाव लगाई थी, क्यों बांसुरी बजाई थी, जिस बांसुरी की धुन पर हम नाचती हुई चली आती थी, उस प्रेम का होगा क्या, जिस प्रेम को छोड़कर तुम इस ब्रज में ते जा रहे हो लाला, का आप यो तो बता हमें। भगवान कहते हैं कि गोपियों तुम्हें प्रेम की परिभाषा पता है, तुम जा प्रेम को नाम ले रहे हो, कौन कह रहा है कि मेरे जाने के बाद ये प्रेम खत्म है, जागो। अरे प्रेम आने और जाने ते खत्म नहीं होता है, प्रेम तो दिल में धारण करने से पनपता है, कि प्रेम दिल में धारण करने से पनपता है, आने जाने से कभी खत्म नहीं होता है। और मैंने तुम्हें दिल में बसायो है और तुमने मुझे दिल में बसायो है, तो मैं तो तुम्हारे संग हमेशा रहूंगा, तुम्हें छोड़ के थोड़े जा रहे हो। बार बार गोपियों को समझा रहे हैं पर गोपी समझने को तैयार नहीं है। लाला के रथ के सामने लेट गई और रुदन करने लगी कि हम तो ये नहीं जान देंगे। भगवान कहते हैं कि यही ते कहें का प्रेम, जो अपने प्रेमी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करे, जो अपने प्रेमी के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करे, यही ते कहें का प्रेम, यही है तुम्हारा प्रेम, क्यों तुम प्रेम के नाम को डुबा रही हो गोपियों? अरे प्रेम तो वो है जो प्रेमी भी खुशी रहे और प्रेम भी खुश रहे। प्रेम तुमने मुझसे किया है तो मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं कि तुम्हारा प्रेम अटूट है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अगर तुमने प्रेम नहीं किया है तो समझ लेना मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। उनको समझाया बुझाया और अक्रूर जी जैसे ही रथ को लेकर तुरंत आगे की ओर चले तो सामने देखा कि एक सुंदर सी कन्या खड़ी है, नेत्र बंद कर रहे हैं, कर रखे हैं और रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं उस कन्या के। अक्रूर ने रथ रोक दिया, प्रभु ने कहा कि क्या हुआ काका, अक्रूर ने इशारा किया, अब राधा रानी को देखकर मेरे नंदलाल भी रो पड़े। राधा रानी बिल्कुल मौन अवस्था में खड़ी हैं। अब नंदलाल राधा रानी के पास में गए और नंदलाल राधा रानी के जब पास में गए तो राधे से कहने लगी कि अरे राधे, तू भी इन गोपीन की तरह कहनो चाह रही है कि प्रेम, या इन गोपिन की तरह तू भी मेरी परीक्षा लेना चाह रही है, या इन गोपिन की तरह तू भी मुझे नहीं जाने देगी, आज अगर तू ऐसे खड़ी रहेगी तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा तो छोड़ के। अरे तेरो तो लक्ष्य बने हैं कि तू मेरी हौसला बढ़ा, जाते मैं आगे जाऊं, तू ऐसे मत खड़ी रहे। पर लाडली जी बिल्कुल चित्त लगा कर खड़ी है, लालजी जी को नहीं पता कि कौन उनसे क्या बात कर रहा है, क्यों वो इतने गुमसुम हो गई इस बात को सुनकर कि नंदलाल हमें छोड़कर जा रहे हैं। और तू अगर सोचती है राधे कि मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं तो ले, जिसकी कृपा से तू मुझे मिली थी वह वस्तु मैं तुझे देकर जा रहा हूं। उसी दिन बांसुरी जो है राधे रानी के हाथ में दे दी और उस बांसुरी को उनके हाथ में देकर मेरे नंदलाल चले गए।
इधर से राधे रानी की मूर्छा जब खुली तो राधे रानी ने देखा कि लाला गयो मोह छोड़ के, नंदलाल चले गयो मोह छोड़ के, कि कान्हा गए मथुरा बिरज मोह उड़ उड़ खावेरी, कि कान्हा चले गयो अब मोह छोड़ के, अब ई ब्रज मोह सुनो लगे, ई ब्रज अब मोह सुनो सुनो लगे, वो गलियां वो रंगीली गली जहां पर चारों ओर एक खुशी का माहौल बना रहता था, आज वो गलियां ऐसी हो गईं जैसे सुनसान हो, यहां कोई बास नहीं करता हो। इधर से नंद बाबा और कुछ ब्रजवासी भी कान्हा के पीछे पीछे गए थे। कान्हा इधर से मैया बार बार रुदन करती, मैया ने विश्वास बना लियो कि लाला कहके गयो है, आज जा रहा हूं परसों लौट के आ जाऊंगा। मैया अपने महल की चौवारे पर चढ़ गई, छत पर चढ़कर बस आशा लगाकर बैठ गई कि आज मेरो लाला आवेगा। इधर से नंदलाल जब पहुंचे, ब्रजवासी जो बालक गए हुए थे उन्होंने एक टीम बनाई और मथुरापुरी ऐसे सजा रखी कंस ने कृष्ण के स्वागत के लिए कि उसको एक नई नवेली भू बना के रख दिया। मथुरा में प्रवेश किया तो नंद बाबा से कृष्ण ने कहा कि बाबा तुम अपनी पार्टी की ओर जाओ, हम अपनी पार्टी के साथ में जाते हैं, और बालकों को ग्वाल वालों को साथ में लेके मेरे नंदलाल अब मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा की वो गोपियां, मथुरा के वो सखा नंदलाल को अपनी छतों से खड़े होकर देख रहे हैं, निहार रहे हैं कि ई है का नंदलाल, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि धन्य है हम, हमें ऐसे लाला के दर्शन है गए। कोई फूल बरसा रहा है, कोई उनकी आरती उतार रहा है। अब ग्वाल वाल कहते हैं कि लाला देख तू कहां आयो है, अपनी ननसार में, ननसार माने नन्ही हाल में, कि तू तो अपने मामा के घर आयो है और देख लाला तो तेरे वस्त्र तो फिर भी दूल्हा जैसे लगे। हमारे माऊ तो सोच ले हम भी तो तेरे मामा के यहां आए हैं, तुम मेरे नंदलाल उनको एक धोबी के पास में लेके गए। वो धोबी जो कंस का सेवक है उसके पास लेकर गए, वस्त्रों की अनुमति मांगी कि मामा हमारे साथ कुछ ग्वाल वाल हैं, इनको वस्त्र चाहिए क्योंकि हमारे ब्रज में रीति है, और ब्रज में क्या ये पहले हमारे भारतवर्ष में रीति थी, गांव का कोई भी व्यक्ति मान लीजिए जैसे हमारी ननसार कहीं है तो वहां हमारे मामा हैं, तो हम पूरे गांव के वासियों को मामा कहेंगे। होता था ना ये कि जहां हमारी ननसार है वो पूरा गांव हमारा मामा है, फिर होता है ना ये क्यों, और अब आजकल तो ये सब खत्म हो गया। तो उस धोबी को कहते हैं कि मामा हमारे ग्वाल वालन ने वस्त्र चाहिए। तो धोबी ने कहा अच्छो भयो जो तू मेरे पहले मेरे पास में आ गयो, जो राजा कंस करते वह काम मैं अब पहले ही करके दिखा दूंगा। तो एक छोटो सो सखा, एक छोटो सो सखा कह रो लाला या धोबी के ज्यादा अभिमान है गयो दिसे, दिखा दे या पूछना वाले आतन ने। और भगवान ने एक ही उसको घूंसा मारा और उसका कल्याण कर दिया, नमो नारायण, उसका उद्धार कर दिया। वस्त्र लिए, अब वस्त्र जब उन ग्वाल वालों को पहनाए और चलने लगे और सुंदर सुंदर माला नंदलाल को भी अर्पण कराई और ग्वाल वालों को भी अर्पण कराई, उस माली भी आनंदित हो गया, गदगद हो गया कि अब भगवान किस किस को चुन रहे हैं, जो कृष्ण के प्रेमी हैं, जो चिंतन करते हैं कृष्ण का, उसके घर तो कहां जा रही है ये चंदन, तुम उसके किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में सहायता करोगे तो वो तुम्हारे ऐसे मंगल कार्य जन घर में कितने करा देगा उसी की कृपा से। तो नंदलाल के लिए जो समर्पित किया जाता है वो हमेशा वापस जरूर मिलता है। तो नंदलाल ने देखा कि इन्होंने हमें चंदन लगाया है तो उनके पैर पे पैर रखा, ठोड़ी से हाथ लगाया, एक ही झटके में उसको इतनी सुंदर स्त्री बना दिया जो उसके बराबर कोई नहीं।
वो बड़ी प्रसन्न हुई और नंदलाल के गुड़ गाने लगी और नंदलाल का चिंतन भूल गई कंस वंश सबको, इतनी सुंदर हो गई कि पूरी मथुरा नगरी में कोई नहीं उसके बराबर। बताओ, एक चंदन देने से रूप रंग बदल दिया, तो तुम तो यहाँ तीन तीन घंटे दे रहे हो इसके नाम के लिए, तुम्हारे लिए क्या नहीं करेगा वो सोचो इस बात का। तुम्हारे लिए हर जगह तैयार रहेगा, सिर्फ तुम उसका चिंतन करते रहना और हर दुख सुख में उसको याद करते रहना, गंगा को पार अपने आप लगा जाएगा। बोलो राधे राधे। क्यों? एक नदी के किनारे, एक नदी के किनारे एक बिच्छू आ गया और जब वो बिच्छू उस नदी के किनारे आया तो उसके बाद में वहीं से कछुआ जन कहां से चलकर आ रहा था वो उस किनारे पर रुक गया। उस किनारे पर जब कछुआ रुका तो उस बिच्छू ने उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया। सुनी है ये कभी कथा कि उसकी पीठ पर वो बैठ गया। उसकी पीठ पर जब वो बैठा तो उस कछुए ने वहां से चलना फिर शुरू कर दिया और इस किनारे से उस किनारे पर वो कछुआ जाकर फिर रुक गया। अब बिच्छू ने उछाल मारी और उस किनारे को पार करके वो पार चला गया। एक वृद्ध आदमी इस कछुए को देख रहा था और उस बिच्छू को देख रहा था। जब उनको वो देख रहा था तो देखते देखते उसने कहा कि देखता हूं ये बिच्छू कहां जाता है, क्यों ये संयोग था। वो किनारे पर आया, वहां कछुआ आ गया उसके ऊपर बैठा और वो उसने किनारा दूसरा पकड़वा दिया। अब उस कछुए उस बिच्छू को उस वृद्ध आदमी देख रहा है कि सामने एक भगत बैठा है और भगवान का ध्यान कर रहा है, तपस्या कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का वो जाप कर रहा है और बिच्छू जो है भागता हुआ उस आदमी की ओर दौड़ रहा है। अब वो सोचता है जो वृद्ध आदमी, जो बूढ़ा आदमी है, कि ये बिच्छू इसको जरूर खाएगा जो ये तपस्या में बैठा है। उसने अपनी लाठी तैयार कर ली कि अगर ये इसके पास आया तो एक ही लाठियों में इसको खत्म कर दूंगा। अब वो क्या देखता है कि इधर उसके पीछे की साइड से एक सर्प जो है बड़ी स्पीड में भगा रहा है, इधर से बिच्छू आ रहा है, उधर से सर्प आ रहा है। अब वो वृद्ध आदमी सोच रहा है इसको बचाऊं तो बचाऊं कैसे, इसको बचाऊं तो बचाऊं कैसे। और वो जब सर्प स्पीड से आ रहा था तो उसने ये सलाह बना ली कि जुनचा भी खाने की ओर आएगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा। अब बिच्छू उस इंसान के पास में पहुंचा, जैसे सर्प उस इंसान के पास में आया डसने के लिए तो बिच्छू ने छलांग मारकर सर्प को ही डस दिया और सर्प बेहोश होकर गिर गया। भैया कि सर्प बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद अब वो बूढ़ा वृद्ध आदमी देख रहा है, उसके बाद बिच्छू वापस आया और लौटकर दोबारा जहां से आया उधर की ओर चल दिया। उसकी पूजा संपन्न हुई, चंपन्न होने के बाद में उस व्यक्ति की आंखें खुली तो वो वृद्ध आदमी कह रहा है, बेटा आज तू भगवान की कृपा से बच गया। वन की कैसे वन, आज तू भगवान के चिंतन में बैठा था और तू जप कर रहा था, इधर से बिच्छू आ रहा था और उधर से सर्प आ रहा था, पर उस नंदलाल की वो कृपा हुई, उस नंदलाल की वो कृपा हुई कि बिच्छू ने डंक तुझ में ना मार के सर्प में मार दिया और सर्प खुद भी होश हो गया और बिच्छू वापस लौटकर चला गया। आज तू भगवान की कृपा से बच गया। अब देखो भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए और वो कहने लगे कि भक्त मैंने तुझे नहीं बचाया, मैं तुझे क्या बचाने वाला हूँ। बोला नहीं प्रभु, तुमने मुझे बचाया है, बाबा मुझे बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में मत रहो, अगर मैंने तुझे बचाया है तो बेटा जब तू मेरे रास्ते पे चल रहा है तो मैं तेरे मुझे बचाने का मेरा कर्तव्य बनता है, जब तू भजन मेरा कर रहा है तो मैं तुझे बचाऊंगा। अब नंदलाल की कृपा देखो कितनी जबरदस्त थी। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, क्या मतलब था कछुए का उस नदी के किनारे पर आना और बिच्छू का वहां से बैठना और बैठने के बाद दूसरे किनारे पर छोड़ देना
और वो बिच्छू वहां तक गया जहां तक वो आदमी तपस्या कर रहा है, सर्प को डसा और वापस आ गया। अब नंदलाल की कृपा देखो, ठीक है अब मैं तुम्हारा नाम लूंगा तो तुम प्रसन्न होंगे। भगत जो है वो भगवान का नाम ले रहा है तो भगवान ने इस माया के द्वारा उसको बचा दिया। पर मुझे एक बात बताओ, वो कौन से ताऊ का नाम ले रहा था? जो ताऊ भी तैयार हो गया कि अगर ये डसेगा तो इसको मैं मार दूंगा, भगवान की कृपा थी जो उसके मन में भी पैदा कर दिया, कि भगवान की कृपा थी कि उसके अंदर पैदा कर दिया कि जिसका वो नाम भी नहीं ले रहा था वो ताऊ भी उसको बचाने के लिए तैयार हो गया। तो परमात्मा कहता है कि तुम मेरे रास्ते पर चल कर देखो, सारे रास्ते ना खोल दूं तो मुझे कहना। कि भगवान का भजन कर रहा था, भगवान ने उसे बचाया, पर उसने ताऊ का भजन तो नहीं करा था। पर ताऊ ने भी सोच लिया कि अगर इसको बिच्छू डसेगा तो मैं तुरंत डंडे से मार दूंगा। तो भगवान के भक्तों को रखवाली रखने के लिए तो हजारों ताऊ खड़े हैं, चलने की हमारी तुम्हारी जरूरत है, करना हमें है उसके लिए, कदम तुम्हें बढ़ाना होगा और कदम को लेकर आगे चलने वाला मेरा नंदलाल होगा। कि कदम को आगे वो लेके जाएगा पर बढ़ाना तुम्हें पड़ेगा, उसके प्लेटफॉर्म पर तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, ट्रेन वो अपने आप दे देगा कि बेटा आ जा बैठ के चलता रहे मेरे साथ। तो उसी तरह उस कुब्जा को भी एक सुंदर स्त्री बनाया क्योंकि उसने परमात्मा को चंदन अर्पण किया। कहते ना धन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, भाव से जो अगर मुझे दे तो तुलसी का पत्ता भी मुझे स्वीकार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भाव से अर्पण करो उसके लिए, वो हमेशा तुम्हारे लिए तात्पर है। नंदलाल वहां से जहां धनुष मेला के लिए धनुष को रख रखा था उसके अंदर प्रवेश किया। ग्वाल वाल कहने लगे कि आधे कहते हैं बलराम तोड़ेगा, आधे कहते हैं कि नंदलाल तोड़ेगा। इधर से कंस के सैनिक आ गए, उन सबको मार दिया और प्रभु ने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया और धनुष को तोड़ दिया। बोलो राधे राधे। वो धनुष कौन सा था? जिस धनुष को शिवजी से प्राप्त किया था कंस ने शिवजी की घोर तपस्या की और घोर तपस्या करने के बाद में शिवजी प्रकट प्रसन्न हुए, कहा कि बेटा वर मांग। उसने कहा कि अमर होने का दे दो। वर नहीं दे सकता, आजकल मुझे देवताओं ने सिखा दिया है, तुम मुझसे ही मांगो और मुझे ही भस्म करने के लिए चल दो। हुआ है ना भस्मासुर, खुद शिव जी को भस्म करने चल दिया था। मन नहीं दूंगा और कुछ मांग, मन प्रभु मैं दोबारा तपस्या में बैठ जाऊंगा पर मुझे बर अमर का चाहिए। तो उन्होंने एक धनुष दे दिया, मन ले ये जब तक तेरे पास है तेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता और जिसने इसे तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कि जिसने इसे तोड़ दिया वो छोड़ नहीं सकता और जब तक ये तेरे पास है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और नारायण इसको तोड़ सकता है, दुनिया में कोई और इसको नहीं तोड़ सकता। तो उस नारायण ने उस धनुष को तोड़ दिया और उस धनुष को तोड़ने के बाद में उसकी आवाज पूरे मथुरा में फैल गई। कंस घबरा गया। कंस ने कहा क्या हुआ? मन महाराज कुछ नहीं हुआ, जो धनुष था वो टूट गया। कंस समझ गया कि अब मुझे ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और ना छोड़ने की वजह से कंस ने एक हाथी को दारू पिला पिलाकर मदरा पिला पिलाकर पागल बना दिया। कुबलिया पीड नाम के हाथी का प्रभु ने उद्धार कर दिया। उद्धार करने के बाद में रंगमंच में रंगशाला में पहुंच गए। वहां पर पहलवानों को कंस ने खड़ा करके रखा था और कहने लगा कि हमने तुम्हारे पराक्रम के बारे में सुना है। तो मुष्टुप आदि पहलवानों से परमात्मा को लड़ा दिया, नन्हे नन्हे बच्चों को बड़े बड़े पहलवानों से लड़ा दिया। चक्रूड़ और मुष्टिक इत आदि से पहलवानों को लड़ाया। पहलवानों ने जब भगवान से युद्ध किया तो भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया और वहीं से छलांग लगाई सीधे कंस के पास पहुंच गए और कंस को नीचे गिरकर उनके सिर के बाल पकड़ लिए
कंस कहने लगा कि छोड़ छोड़ काना छोड़। काना ने कहा कि मामा क्या हुआ? मन बेटा बड़ा दर्द हो रहा है, छोड़। मन मामा जब दर्द महसूस नहीं हुआ जिस दिन मेरी माँ को तू रस्से बालों से पकड़कर नीचे खींच रहा था, आज तेरे बाल मैंने पकड़ लिए तो तुझे दर्द हो रहा है। अरे जागी पग फटी ना वाई ऊजा ने कहा कि जब तक अपना दर्द नहीं हुआ तब तक कोई दर्द नहीं है। उस दिन दर्द नहीं आया जिस दिन मेरी माँ देवकी को तू बालों से पकड़कर रस्से नीचे खींच लिया था। आज कह रहा है दर्द हो रहा है, छोड़ छोड़ अब। और बामा सुन, जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको कभी नहीं छोड़ता, उसको तो तार ही देता हूँ मैं। एक मुष्टिक का उसमें भी प्रहार करा और कंस का नमो नमः कर दिया। अब प्रभु गई, राजा उग्रसेन इत्यादि को कारावास से निकाला और पहली बार नंदलाल अपने माता पिता से मिले, माता देवकी और वसुदेव जी से मिले। बड़ा रुदन हुआ, गले से लगाया, उनके चरण छुए, आशीर्वाद लिया, क्योंकि माता पिता के चरण छूने से आयुर्विद्या यश बल प्राप्त होता है। और उनको भार लेकर आए, राजा उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। अब इधर से माता देवकी और वसुदेव जी ने कान्हा को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। गुरुकुल में जब पढ़ने के लिए गए और वहां जाने के बाद में सुधामा के साथ में मित्रता हो जाती है, और सुधामा के साथ में जब मित्रता हो जाती है, मित्रता होने के साथ संपूर्ण पढ़ाई हुई, और जब वो अपने वापस मथुरा के लिए आने लगे तो नंदलाल ने कहा कि गुरुजी कोई गुरु दीक्षा हो तो बताओ, गुरु दक्षिणा जो अगर आप मुझसे लेना चाहते हो। तो गुरु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आज तक किसी से भी गुरु दक्षिणा नहीं ली है, बाकी अपनी आप गुरु माता को जाके पूछ लो। गुरु माता से जाकर पूछा तो गुरु माता उनको देखकर रोने लगी और कहने लगी कि मेरो लाला हम तो आज तुम्हारे बराबर हम तो। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मन कुछ नहीं, एक राक्षस मेरे लाला को उठा के ले गयो। अच्छो मन, हाँ मन, कहा मन समुद्र में जाके डाल दियो। अब समुद्र में गए, समुद्र में जाने के बाद में पंचजन्य नाम का शंख रूपी राक्षस मिला, उससे युद्ध हुआ, उसका कल्याण कर दिया, और वहां से मेरे नंदलाल ने पंचजन्य नाम के शंख को अपना बना लिया। उसी दिन से मेरे लाला के शंख का नाम पंचजन्य पड़ गया। उसके बाद समुद्र से पूछा तो समुद्र ने कहा कि वो तो यमपुरी में चला गया। यमराज के पास में गए, गुरु के पुत्र को वापस लेकर आए और गुरु के सामने छोड़ दिया। गुरु बड़े प्रसन्न हुए, गुरु माता ने आशीर्वाद दिया, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। तो कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु जी अगर मेहरबान हो जाए तो चेला अपने आप पहलवान होता है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें चारों दिशाओं में क्या, दसों दिशाओं में लाला कोई रोकने वालों ना हो। अब तो नारायण है साक्षात, जो यमराज के यहाँ ते जाके छोरा ला के दे सके तो फिर वह कहने में शर्म काय की। उसके बाद में सुधामा से कहा कि भाई कभी आना हमारी नगरी में, कभी आना हमारी नगरी में। और मेरे नंदलाल वापस लौटकर मथुरा आ गए। अब लाला जब वापस लौट के मथुरा आए तो बड़े उदास से रहने लगे, बेचैन से रहने लगे, बड़ी बेचैनी रही। बेचैनी जब रही तो लाला माता देवकी कहने लगी कि लाला जाद नाते गुरुकुल ते पढ़ के आयो है, वही दनाते उदास सो रहे, पतो ना कहा कारण है कहा ना है। वसुदेव जी को बुलाया और वसुदेव जी से पूछा कि लाला को जाके पूछो कहा दुख है, लाला को जाके पूछो दुख कहा है, और मेरी इच्छा है आज मैं लालाए अपने हाथन ते भोजन कराऊं। मेरी इच्छा है कि आज मैं अपने लालाए अपने हाथन ते भोजन कराऊं।
वसुदेव जी कहते हैं कि देवी कुल ने मना करी है, करा, और आज माता देवी की खुद भोजन अपने हाथों से बनाकर माखन मिश्री उसमें रखकर लाला को लेके जा रही है। और लाला को जब वो लेके जा रही है तो जाने के बाद में लाला के कक्ष में पहुंची। लाला देखो कि लाला शांत बैठो है। लाला ने मैया देवकी की ओर देखो और देवकी की ओर देखते ही जैसे नजर वह थारी पे पड़ी और वह थारी में माखन मिश्री देखो तो लाला ते रहो नहीं गयो। लाला अपने ब्रज की याद आ गई और लाला जोर जोर से रोने लगा। लाला रोदन करने लगे, नंदलाल की आंखों में आंसू आ गए, देवकी घबरा गई, थाली हाथ से छूट गई और तुरंत भाग कर गई। बस देव जी को पकड़ा कि तुम्हें चिंता नहीं है, जाद नाते मेरो लाला आयो है, वैद्य नाते उदास रहे। मैं आज भोजन की कितनी प्यार से लेके गई भोजन, और भोजन देख के ही रोने लग गयो। अब तो बड़ी उदास हुई, वन की जाओ तुम उसको पूछो क्या तकलीफ है उसे। वसुदेव जी कहते हैं कि देवी बचपन में हमने इसको खिलाया नहीं, इसके मन को हम जानते नहीं, अब इसको कैसे पूछ लूं मैं क्या तकलीफ है। इतनी देर में उद्धव जी आ गए। उद्धव जी जब आए तो उद्धव जी से कहने लगे कि अरे उदो तू पूछ ना लाला जाके वह तकलीफ का है, क्यों उदास है, क्या बात है, कोई तो कमी होगी, कोई हारी है, बीमारी है, क्यों उदास रह रहे हो है आजकल लाला। उदो कहने लगा कि जी महाराज मैं पूछता हूं, और उदो भगवान के कक्ष में गया। भगवान के जब कक्ष में गया तो भगवान पलंग पर बैठे थे। उदो ने जाके प्रणाम किया कि प्रणाम युवराज। पूरी मथुरा में चर्चा हो रही है कि जिस दिन से लाला गुरुकुल से पढ़कर आयो है वही दिनाते लाला उदास है। अरे महाराज युवराज कारण क्या है ये तो बता दो, कारण क्या है ये इतना तो बताओ। भगवान से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े हुए और खड़े होने के बाद में उद्धव को गले लगा कर कहने लगे कि उद्धव उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाहीं, हंस सुदा सुंदर कल रख और कुंजन की छाई। कि उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाहीं, मैं ब्रज की यादों को नहीं भूल पा रहा, मुझे जब नाए जानो बरसों तो मैं काय को मैया ते कह के आयो कि मैं परसों आ जाऊंगा। वाह बुढ़िया मैया ते जा, बुढ़िया मैया ने बचपन से दुख झेलो हो, बुढ़ापे में जाके एक छोरा मिलो और वो छोरा भी कोई और को निकल आया। उदो मोय ब्रज विसरत नाही, आज मोय गुरुकुल ते आए एक महीना हो गया, तुम एक महीने में पूछने आ रहे हो कि मुझे तकलीफ क्या है। अरे मेरी मैया यशोदा को जाकर देखो, मुझे जब अगर एक रोटी भी कम खा लेता था तो दुनिया भर के वैद्यों को बुला दिया करती थी, दुनिया भर के जोशियों को बुला दिया करते थे कि मेरे लाला को कौन की नजर लगी है, मेरे लाला को कोई बीमारी तो नहीं हुई है। ऐसी मैया को छोड़ के मैं यहाँ आ गयो। उदो तेरी मथुरा कंचन की नगरी है, उदो तेरी मथुरा कंचन की नगरी है, मोय कोई तकलीफ ना है तेरी मथुरा में, पर मोय ब्रज विसरत नाही, मैं ब्रज की यादों को नहीं भूल सकता। जब जब सूरत आवे वा सुखी, जब जब सूरत आवे वा सुखी, तब तब मोहे ब्रज विसरत नाही। कि जब जब मैं याद करता हूं उन दिनों को, उन ब्रज के दिनों को, आज तुम एक महीना में मुझे पूछ रहे हो। और उदो अगर तू इतनो ही चाहे तो बन रहे हो तो जा मेरो समाचार लेके जा उन ब्रजवासिन के पास में, और जाके कीजो कि चिंता मत करो, जल्दी काम खत्म करके मैं ब्रज में आ जाऊंगा। वह मैया ते जाके कीजो, और अगर तू चाहे ना मेरो दुख दूर हो तो वो भी मोय याद करते होंगे, तभी तो मोय इनकी याद आ रही है। अगर वो मुझे याद नहीं करेंगे
तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। उदो कहने लगे कि बारे कन्हैया याद आ रही है तोए और समाचार लेके जाऊं मैं। कन्हैया ऐसे कैसे, और मैं जाऊं तो जाऊं क्यों, अरे मैं साक्षात बृहस्पति शिष्य, मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य। जब उद्धव कहते हैं कि लाला जब वे तोए नहीं समझ पाए कि तू परम ब्रह्म है तो वे मोह कहां से समझ जाएंगे, जब वो तो तुझे नहीं समझ पाए तो मुझे कहां से समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे कहने से एक बार ब्रज में जरूर जाओ। अब युवराज की बात है, टाल तो सकता नहीं मंत्री। उद्धव कहने लगा कि महाराज तुम कहते हो तो मैं जाता हूं। और उद्धव जी कृष्ण के कहने से नंदगांव आने लगे और आते आते कहा कि आज जा रहा हूं, शाम तक लौटाऊंगा, नहीं तो कल जरूर आ जाऊंगा। उद्धव जो है नंदगांव की सीमा में जैसे ही प्रवेश करने लगे तो उन ब्रजवासिन की हालत का है रही है, उन ब्रजवासिन की हालत का है रही है। उन नन्ने नन्ने से बच्चा, जो नन्ने नन्ने से ग्वाल थे ब्रजवासी, वो नन्ने नन्ने से ग्वाल रोज मथुरा जाने वाले रास्ते पर बैठ जाते और आशा लगाते कि आज मेरो लाला आ रहे होगो, आज मेरो लाला आ रहे होगो। रोज आशा लगाते, शाम को सूर्य अस्त हो जाता, रात को अपनी मैयाओं की गोद में सोते और कहते कि मैया हे विदाता, सुबह को सूरज जल्दी निकल आवे, कहा पतो मेरो लाला कल आ जावे। सुबह को सूरज जल्दी निकल आवे विदाता, और सुबह को सूरज निकलते ही तुरंत वो वृंदावन मथुरा जाने वाले मार्ग पर बैठ जाते। प्रतिदिन की भांति रोज ऐसे ही वो बाल गोपाल बैठे हैं, वो ग्वाल बाल बैठे हैं, लाला की आस लगा कर बैठे हैं कि लाला आ रहे होगो, लाला आ रहे होगो, लाला की आस लगा रखी है। और उन गोल ग्वाल वालों को एक रथ दिखाई देता है। अब जब रथ की चुटिया दिखाई दी तो सारे ग्वाल वाल बड़े खुश हुए कि लाला आ गयो, लाला आ गयो, लाला आ गयो। सारे ग्वाल वाल खुशी के मारे आनंदित होने लगे तो एक ग्वाल वाल जो है झाड़ियों में छिप गया। जब वो झाड़ियों में छिपा तो और ग्वाल वाल कहने लगे कि तू लाला को दर्शन करने नहीं जागो, तू लाला को दर्शन करने नहीं जागो, वरना ओ यहां आवेगो कबहू ना जाने को वचन देगो, तब मैं बाते बात करूंगा, नहीं तो मैं बाते बात नहीं करूंगा। ठीक है तो चलो, है तो चल, हम तो अपने लाला के दर्शन करने को जा रहे हैं। और लाला के दर्शन करने को जैसे ही ग्वाल वाल चले तो झाड़ियों में छिपने वाला ग्वाल कहने लगा, अरे रूठ तो मैं बाद में लूंगो, एक बार वाला लाला के दर्शन तो कर लो, रूठ तो मैं बाद में लूंगो। और वे ग्वाल वाल सारे दौड़कर गए, रथ के पास में पहुंचे और जैसे ही रथ रुका और उस रथ में से कोई और उतरता हुआ दिखाई दिया, उनको ऐसे लगा जैसे जीते जी हमारे प्राण चले गए। उद्धव ने कहा कि भैया जय श्री कृष्ण। अब ग्वाल वाल बेचारे क्या बोले, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ हाँ भैया जय श्री कृष्णा। वन मोए एक बात बताओ, या नंद बाबा को घर कहाँ है, मैं कृष्ण को परम मित्र कृष्ण का समाचार लेकर नंद बाबा के पास आया हूं। ग्वाल वाल पूछते हैं कि वारे वाह कन्हैया बरसों में याद आई तो समाचार भेज दियो, खुद ना आ सको, याद भी आई तो कोई और भेज दियो, खुद तो याद नहीं आई।
कहने लगे कि ई पानी दिख रो है तो ई पानी दिख रो है तो ई नाली जो दिख रही है, नाली में जो पानी आ रहे है, या पानी के किनारे किनारे चला जा और जहां से इस पानी का आगमन हो रहा है, जहां से ये पानी निकल रहा है, समझ लियो वो ही नंदलाल का नंद घर है, वो ही नंद बाबा का भवन है। उद्धव कहने लगो कि भैया ये पानी ते कहा संबंध है, वन ये पानी ना है, ये उन लाखों गायों के आंसू हैं, उन लाखों गोपी ग्वाल वालों के आंसू हैं, जो रोज नाला की याद में पल पल रोते रहते हैं, ये उनका पानी है, ये कोई नदी नहर नाला नहीं है। उद्धव उद्धव सोचने लगा, बाप रे मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया, ऐसी कौन सी जगह आ गया। उद्धव ने जैसे ही उस पृथ्वी पर पैर रखा तो पृथ्वी के कड़कड़ से राधे नाम की धुनि सुनाई दी, पृथ्वी के वृक्ष वृक्ष से राधे नाम की धुनी सुनाई दी। उद्धव बड़े भ्रमित होने लगे कि ये तो वास्तव में कुछ अलग ही है, ये पृथ्वी लोक नहीं हो सकता, पृथ्वी लोक पर पृथ्वी के कण में से कभी राधे नाम निकल नहीं सकता, ये तो कुछ और ही है। और धीरे धीरे उद्धव उस नाले के किनारे किनारे नंद बाबा के घर पहुंच गए। उन सखाओं ने एक बात और कही थी कि ऐसे एक काम और करियो, मैया थोड़ी बूढ़ी ज्यादा है गई है, कम सुने हैं ऊंचो बोलियो। और उद्धव जी नंद भवन में प्रवेश किया, नंद भवन को देखते ही बड़े भ्रमित हो गए, हीरे जवाहरातों से जड़े हुए द्वार हैं, अरे राजा महाराजा का भी फैल महल फैल है उनके सामने, जो महल मेरे लाला का था। उद्धव ने उस महल के अंदर प्रवेश किया और कहने लगा कि अगरे कोई है अंदर कोई है, तो अंदर से मैया यशोदा की आवाज आई, अरे रुक जा आराम से बोल, अभी अभी मैंने अपनो लाला सुबायो है, लाला जग जाएगो, अभी अभी मैंने लाला सुबायो है, लाला जग जाएगो, थोड़ो आराम से बोल। उद्धव सोच रहे हैं कि इनने कौन सो लाला सुबा दियो, मैया तेरे लाला को तो मैं मथुरा में छोड़कर आया हूं, तो तेने कौन सो लाला सुबायो है। मैया कहती है मेरो लाला मोए छोड़ के कभी कहूं ना जावे, और देख चल तो दिखाऊं मैंने अपनो लाला यहां पलना में सुबायो है। उद्धव के हाथ को पकड़कर मैया यशोदा लेकर गई और पलने तक पहुंची, पलने में देखा कुछ नहीं है, धड़ाम से नीचे गिरी और तुरंत बेहोश हो गई, मूर्छित अवस्था खुली, कहने लगी बाप रे मैं कितनी पागल हूं, मेरे लाला बथरा गए तो बरसों बीत गई। उद्धव उनके प्रेम को देखकर भ्रमित हो रहे हैं। नंद बाबा आ गए, रात भर माता की वार्तालाप उद्धव से होती रही, लाला की कथाओं का वर्णन किया, अरे उदो तोय ना पतो, एक बार लाला को मैं सुबह सुबह रोटी दे रही, एक बार लाला को मैं सुबह सुबह रोटी दे रही, और वह रोटी पे मैंने माखन रख दियो, और जब मैंने वार रोटी पे माखन रखो तो एक कौआ आयो और वाकी रोटी है ले गयो। लाला ने जिद कर दी कि मैं या को बध कर दूंगा, या की हिम्मत कैसे भाई मेरी रोटी ले गयो, मैं यही रोटी खाऊंगा। उधो काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, अरे हमसे ज्यादा भाग्य तो उसके थे जो नंदलाल का झूठा प्रसाद उसको मिल गया, वो तो हमें ही झूठा बनाकर चला गया, कह रहा था आज जा रहा हूं परसों लौट कर आ जाऊंगा। उदो ऐसे ऐसे लाला की लीलाओं का वर्णन है, ऐसी ऐसी लालाओं की कथाओं का वर्णन है, और लाला ने कहा ना करो मैं तो बता ना सकूं, कायद ना भू की जिद करो, कायद ना चंदा की जिद करो, आज मेरो लाला ना है, ऐसे लगे ये घर शमशान है गयो हो।
सूना पड़ा रहता है उदो। और उदो अगर तू वाको संदेश लेके आयो है ना तो बातें कह दीजो, चाहे मोए नौकर राखो जी, चाहे मोए चाकर राखो जी, पर लाल मोए तुम अपने पास राखो जी। बातें कह दीजो जाके कि तेरे यहाँ कोई जगह खाली हो, तेरे यहाँ जगह कोई खाली हो ना तो बातें कह दीजो, तू अगर मोए नौकर राखेगो तो मैं तेरे नीचे नौकर रह के रह लूंगी। एक माँ कह रही है बेटे के नैया कि तू अगर मोए नौकर राखेगो तो मैं नौकर बन के रह लूंगी उधो, पर मैं वाके बिगर अब नहीं जी पाऊंगी, अब नहीं रह जाता उसके बिगर। मैया ने काफी कथाएं लाला की सुनाई, काफी लीला लाला की सुनाई, उदो गदगद हो गए, और जो उदो ज्ञान लेके आए वह ज्ञान को खंडन है गयो, और प्रेम की भक्ति उदो के हृदय में जग गई। बार बार मैया के चरण छू रहे हैं, बार बार नंदलाल की याद स्मरण कर रहे हैं। सुबह हुई कहने लगे वो राधा रानी ते मिलनो है, राधा रानी कहां मिलेगी। नंद बाबा ने कही कि राधा रानी तुम्हें उस जगह पर मिलेंगी, तुम चले जाओ। तो राधा रानी की मिलने की आस में जंगल के द्वारा बरसाने के लिए जैसे चलने लगे तो उस जंगल में उन्होंने क्या देखा, उस जंगल में उन्होंने क्या देखा कि काफी सखी गोपियां बैठी हैं, बीच में एक सुंदर युवती बैठी है, आपस में चर्चाएं कर रही हैं, और उद्धव जी छुपकर उनकी चर्चाओं को सुन रहे हैं। एक गोपी कह रही है लाला आज मेरे सपने में आयो, अरे ऐसो कह के गयो। दूसरी कह रही है आज मेरे सपने में लाला आयो। एक गोपी कह रही कि राधे जाद नाते लाला गयो, तो कोई सपनों ना दिखे, तू कभी बतावे ना है लाला मेरे सपनों में आयो। तो राधे रानी कहती हैं कि जाद नाते लाला ब्रज छोड़ के गयो है, वाद नाते मेरी सोत मुझे नींद ही नहीं आई तो सपनों कहां से आ जागो। वाद नाते मुझे नींद ही नहीं आई, मेरी नींद भी उई लेके चले गयो। अब देखो उद्धव जी सोच रहे हैं बाप रे बाप, लाला जब ते गयो है जब ते सोई तक नहीं है ये। और उद्धव जी उनके मध्य में पहुंच गए, और उनके मध्य में पहुंचने के बाद में काफी संवाद हुआ। उद्धव जी ने कहा कि वो परम ब्रह्म है, तुम किसकी चिंता करती हो, ब्रह्म का कोई हाथ नहीं होता, ब्रह्म का कोई पैर नहीं होता। कहने लगी कि उदो अगर ब्रह्म के पैर नहीं होते या ब्रह्म के हाथ नहीं होते तो वाने हमारे यहां उन हाथन ते माखन कैसे खायो। अगर तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते तो वाने गाय कैसे चराई वन में जा जाके। उदो उदो बार बार समझा रहा है, और सखियां कह रही हैं कि उदो वो चाहे परम ब्रह्म सही या कुछ भी चाहिए, हमारे लिए तो वो एक कृष्ण है। उधो अब मन ना रहे दस बीस कि उधो अब मन ना है, तू अगर सोचे कि कहीं हम परम ब्रह्म में लगा दें या तेरे सिम में लगा दें या तेरे नारायण में लगा दें, अब हमारे पास कोई मन ना है। एक मन है तो एक मन हतो जो गयो साम संग, अब मन ना रहे दस बीस। एक है जो हमने लाला के संग में भेज दियो उदो, अब हमारे पास मन नहीं है। उदो ने फिर समझाया तो उन्होंने कहा कि कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण ही हमारो मन है, कृष्ण ही हमारो तन है, और कृष्ण ही हमारो धन है। आठो याम उदो हमें कृष्ण सो कृष्ण ही सो काम है, और हमें कृष्ण के अलावा कुछ ना तेरा परम ब्रह्म चाहिए ना तेरा हमें ब्रह्मा चाहिए। तुझे देखना है देख, हमारे लिए वो कृष्ण था और कृष्ण है और कृष्ण ही रहेगा।
उधो समझ गए, उधो समझ गए, जहां पर प्रेम भक्ति है वहां ज्ञान भक्ति कोई काम नहीं दे सकती, क्योंकि ज्ञान भक्ति में हमेशा तर्कता आ सकती है पर प्रेम भक्ति में कभी तर्कता नहीं आएगी। एक बार गंगा जी में यमुना में छलांग लगा दी तो पार ही लगा देगी। सखियों ने बार बार, गोपियों ने बार बार समझाया, उदो तुम भय बोरे, उदो तुम भय बोरे, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहां रोम रोम श्याम है। तो किस प्रकार सखियां उद्धव जी को कह रही हैं, हमें यो ना सताओ, कि अरे उदो हमें यो ना सताओ, बार बार कहकर कि वो परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है, हमें यो ना सताओ, हमें दिल की बीमारी है। आजकल अटैक की समस्या ज्यादा चल रही है, चल रही है ना, है किसी को तुम में से? देखो मैया फेरिए ना ना, बाप रे बाप, ऐसी बीमारी दूर रहे हमारे पास नहीं आए, है किसी को? नहीं, दिल की बीमारी है किसी को? है जी, है किसी को? अच्छा मैया मरेठा बाट देखें, दिल की बीमारी लगावे, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। गोपियां कहती हैं, अरे उदो हमें यो ना सताओ, हमें दिल की बीमारी है, और इस बीमारी का कोई वैद नहीं, वैद है तो वो बांके बिहारी है। तो आइए छोटा सा भाव रखना है, समय बहुत हो चुका है, और अभी तो लाला को ब्याह भी कराना है, अभी तो लाला को सारे बराती फेंटा बांध बांध के बैठे हैं, सब बफर सिस्टम के चक्कर में हैं कि कछु खाने को। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, हमें यो ना सताओ, सताओ हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें उदो, हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें उदो, हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें उदो, हमें दिल की बीमारी है।
जलवा लगा कर लोग जाने कहाँ गया दिल दिखा जलवा लगा कर लोग जाने कहाँ गया दिल पर न दिल की दिल में रह जाए जरा तो देख ले दिल पर जरा तो देख ले दिल पर न तेरी साबरी सूरत तेरी साबरी सूरत हमें आकाश के जरूर आ गए वो भी रोने लगा कि सताओ ना हमें उदो हमें दिल की कि आकाश भी रुदन करने लगा है। ये कथा ऐसी एक पावन कथा है कि प्रगति भी इनके साथ में आनंदित होती है और प्रगति ही वास्तव में प्रमाण देती है कि कोई कथा है। और उदो गदगद हो गए। जो उदो ये कह रहा था सुबह जा रहा हूँ शाम को लौट कर आ जाऊंगा उस उदो को 6 महीने व्रतीत हो गए वहां पता भी नहीं चला। जब उदो कृष्ण कह के गए गोपिन से कि मैं जा रहा हूं और शाम का सूर्य अस्त जब होगा उससे पहले नंदलाल तुम्हारे पास होगा और नंदलाल को लेने के लिए उद्धव गए। उद्धव द्वारका मथुरा पहुंचे। अब मथुरा जैसे ही प्रवेश किया तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आओ ज्ञानी जी आओ आओ ज्ञानी जी आओ। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु जले पर नमक मत छिड़किए जले पर नमक मत छिड़किए। अरे तुम ही तो कह रहे थे आज जा रहा हूं शाम को लौट कर आ जाऊंगा तुम्हें तो 6 महीने से ऊपर समय हो गया तुम्हारा ज्ञान कहां गया। वो वन प्रभु आप गलत कर रहे हो मुझे नहीं पता था आप इतने भी कठोर हो। उन ब्रजवासियों को देखो उस मैया यशोदा को देखो उन गोपियों को देखो। अरे राधे ने तो अब जब से तुम गए हो सोई तक नहीं है तुम उनके साथ गलत कर रहे हो और तुम्हें कसम है मेरी तुम्हें मेरे साथ अभी ब्रज चलना होगा। उद्धव ने जब इतना कहा तो नंदलाल ने कहा कि प्रभु उद्धव नेत्र बंद कर। और नंदलाल ने जब कहा कि उद्धव नेत्र बंद कर और जैसे ही उद्धव ने नेत्र बंद की कि तुरंत राधा रानी के साथ में हजारों सखियों में मेरे नंदलाल तुरंत अवतारित हो गए और उद्धव को कहा कि देख ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते और मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाता। राधा रानी वहां प्रकट हो गई
उद्धव देखकर चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि ये तो तेरे ज्ञान के अभिमान को तोड़ना था, ये तो तेरे ज्ञान के अभिमान को तोड़ना था। और राधा रानी को देखकर गदगद हो गए, कहने लगे कि प्रभु अब जीवन में भविष्य में कभी भी मुझे अगर जन्म दो तो मुझे ब्रज में ही जन्म देना, चाहे किंकर पत्थर का दे देना, और पर ब्रज के अलावा कहीं जन्म मत देना। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ये उद्धव के ज्ञान का क्या हुआ जो बड़ा अभिमान पूर्वक गया था। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, उधो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल, कि गोपिन के बोल सुन सुनकर उधो सुधो है गयो। अरे ज्ञान बजाई डुगी डुगी और प्रेम बजायो ढोल, जो उसका ज्ञान था वो डुग डुगी बजाने लगा और प्रेम उसका ढोल बजाने लगा, और इस तरह से मेरा उद्धव सीधा हो गया। उस ज्ञान की चतरिया ऐसे उसकी हट गई और उस दिन से उद्धव कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो गया जिसकी कोई सीमा। अब थोड़े हंसी खुशी रहने लगे कि कंस की दो पत्नियां थी, कंस की दो पत्नियां थी आस्ती और प्राप्ति, दोनों जरासंध की बेटी थी। उन्होंने जाकर अपने पिता से शिकायत की तो पिता ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मेरे नंदलाल ने 17 बार तक जरासंध को हरा हरा कर वापस भेज दिया, 17 बार तक जरासंध को हरा हरा कर वापस भेज दिया। 18वीं बार सैकड़ा पूजने के चक्कर में 99 हो गए, अब 100 हो जाएंगे। एक बार जोर से बोलो, और जोर से। देखो जब भगत सामने बैठे होते हैं ना तो कथा उसी प्रकार की होती है। तुम्हारा मुंह इधर उधर घूमना शुरू होगा तो मेरी कथा भी इधर उधर। उसने शिशुपाल के साथ में वादा कर दिया कि मैं तेरे साथ अपनी बहन का ब्याह करूंगा। भीष्मक जी चाहते नहीं, और माता रोहिणी कौन है, रुक्मणी कौन है, माता रुक्मणी माता साक्षात लक्ष्मी का रूप है, तो लक्ष्मी कहां जाएगी, जहां नारायण होगा। उनकी इच्छा जगी कि बिन परतीति होए ना प्रीति, उनकी इच्छा जगी। उन्होंने अपनी भाभी से कहा, तो जब भाभी से कहा तो भाभी ने कहा कि देखो अब तुम देखो तुम्हारे भाई भैया तो मानेंगे नहीं। तो एक पंडित को बुलाया गया कि बिना पंडितों के कोई कार्य सफल नहीं होते। वहां पर भी ब्राह्मण को बुलाया गया। अब आगे की कथा पूर्ण करने से पूर्व कुछ जानकारी है वो आपको दे दें, और फिर लाला का विवाह करेंगे और अब यहां बफर सिस्टम तो नहीं लगवा रखो। कौन कौन नाचे वो लाला के ब्याह में, सब नाचेंगे। अच्छा अब आल अगर अभी कोई वैसे वो को ब्याह हम तो ना घर में अपने छोरा को, तो मैंने वो बढ़िया बढ़िया मैया भी देखी है, ऐसे ऐसे मटका में कमर है वह बैंड से के आगे जाके कोई सीमा नहीं, मटका में ना। क्यों, भागवत में लिखा हुआ है जो बेटे की शादी में नाचेगा उसको बार बार इस संसार में नाचना पड़ेगा, और जो भगवान के आगे नाचेगा उसको फिर लाख बार नाचने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा पार जाएगा। तो आप सबको कल सूचित किया गया था कि श्री आशीष्वर महादेव सेवा समिति द्वारा, श्री आशीष्वर महादेव सेवा समिति द्वारा हो क्या रहा है, जोर से बोलो,
बच्चों से दुख सुख की बात करो जिनसे उनको लगे कि मेरे माँ बाप मेरे सामने आके खड़े हैं और कुछ नहीं चाहिए। खत्म है, जागो बाजना भैया बंद कर देंगे। तो आप सबका कर्तव्य है, आपके बहादुरगढ़ में ये समिति चल रही है और इसको ये मत सोचना पंडित जी की है या किसी और की है, ये सबकी है। ये एक माता जी, सो इनका नाम तो नहीं जानता हूँ, शौकीन माता जी, सुरेश माता जी और हमारी त्रिवेणी स्कूल वाली मैया, ये तीन चार मैया हैं। पर भागवत एक के बस की बात नहीं है, थोड़ो थोड़ो लगाओ सारो, गिरवर है अति भारो, सब मिलजुल कर सारा लगाओ जिससे इस आश्रम का भी भला हो और तुम्हारे इस क्षेत्र। अच्छा ये बताओ इस कथा से किस किस को आनंद आया, कि कथा सुनने में वास्तव में आनंद आया है? ऊपर ही रखना हाथों को कि कथा सुनने में वास्तव में आनंद आया है, सच्चे दिल से झूठी बड़ाई नहीं। आनंद मैया तो आनंद आयो क्यों? कि लाला कथा को तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, पर कथा हमेशा मैं दिल से करता हूँ, इसलिए दिल की बात तो मैं कहता हूँ, मैं देखी हुई पढ़ी हुई बात तो मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से इस बहादुरगढ़ में जो देख रहा हूँ वो है तो मैं बता रहा हूँ कि इसको सुधारना जरूरी है। अगर इसको नहीं सुधारा तो आगे तुम तो अपने पितरों के पिंडदान करके जा भी रहे हो, पर ध्यान रखना तुम्हारा पिंडदान कोई नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात को, तुम्हारे लिए कोई सूरज को जल भी नहीं देगा ना पीपल को जल देगा। या तो अपना जापता पहले बांध जाओ, पहले ही कर जाओ सबको जो करना है, या फिर अपने घर में ऐसे संस्कार पैदा कर जाओ, या तो अपने घर में ऐसे संस्कार पैदा कर जाओ जो तुम्हें इन चीजों की कहने की जरूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ बढ़ कर इन कामों को करें। बोलो राधे राधे। और आज पूर्णमासी है जेठ महीने की, कल से अषाढ़ मास लग जाएगा। जो भी भगत यहाँ 2-3-4 माताएं हैं जो गुरु माला लेने की कह रही थी, तो अभी आरती के बाद मंच पर आएंगी और एक एक करके गुरु मंत्र लेकर जाएंगी, ये विशेष ध्यान रखना है। और हा हुल्लड़ नहीं मचाना है, बड़े प्यार से, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, 8 बज चुके हैं। क्यों आप लेट आते हो, फिर मैं भी तुम में ऐसा घुल मिल जाता हूँ कि मुझे भी समय की याद नहीं रहती। तो बोलो राधे राधे। तो आइए 2 मिनट का प्रसंग और है भागवत से संबंध में। तो जो भी कोई मैया भंडारे से संबंधित या समिति से जुड़ने से संबंधित अपना नाम फोन नंबर लिखवा दें। भंडारे से संबंधित जो सहयोग करना चाहती हैं वो अपना नाम नंबर लिखवा दें, चाहे सामान लाकर सहयोग करो, चाहे धन देकर सहयोग करो, वो आपकी मर्जी है। बोलो राधे राधे। तो भीष्मक राजा ने सोचा कि अब पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। इधर से रुक्मणी मैया ने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बुलाने के बाद में ब्राह्मण के हाथ चिट्ठी भिजवा दी। अब द्वारका में चिट्ठी गई और द्वारका में चिट्ठी पर तो मेरे नंदलाल उस मध्य में ही उस मंदिर में पहुंच। काफी समय व्यतीत होते होते मैया ने जब बिल्कुल सब्र टूट गया तो मैया वहां पर प्रकट हो गई और कहने लगी कि लाला अरे मैं आंख तरस रही है तेरी या छबिये देखने को, तो तू या के गले में माला ना डारेगो का देखते ही रहेगो। अब उन्होंने मैया को प्रणाम किया, मैया का आशीर्वाद लिया। इधर से सेवक सोच रहे हैं कि कितनी सुंदर जोड़ी है, जो सेना खड़ी थी वो सोच रही है कि कितनी सुंदर जोड़ी है।
कितनी मनोहर छवि है, क्या बांसुरी है, अरे क्या धोती पहन रखी है, क्या मुकुट है। बार बार नंदलाल की प्रशंसा की जा रही है और नंदलाल की जब बार बार प्रशंसा की जा रही है और उनको ये नहीं पता कि ये भीतर नंदलाल कर क्या रहा है, किसी को नहीं पता। और उसके बाद में भीतर जो है वो नंदलाल माता रुक्मणी के साथ में विवाह की तैयारी करते हैं। माता कात्यानी को साक्षी बनाया जाता है और माता कात्यानी साक्षी होकर उस विवाह को संपन्न कराती हैं। अब बताओ उनका विवाह कैसे हुआ होगा, फेरे लिवे होंगे। अब जो लोग कहते हैं कि माला डालने की रीत तो आजकल चला दी है, पहले नहीं थी। कौन कौन मैया के ब्याह में माला डले, माला डली कोई सी मैया के ब्याह में है, डली थी। तो या का मतलब हमारा ब्याह फिर वैसे ही है, वो हमारे ब्याह में नहीं डली माला। बोलो राधे राधे। तो माला डली वैसे पहले माला नहीं डलती थी, हाँ वैसे फेरे होते थे, माला नहीं डलती थी। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, माला का प्रभाव तो राम जी के भी समय से आ रखा है कि राम जी को भी सीता मैया ने माला डाली थी। राम जी ने डाली थी या नहीं डाली थी, तो फिर हम यूं क्यों कहते हैं कि ये प्रथा अब की है, पहली नहीं है। बताओ क्यों कहा जाता है कि ये प्रथा अब की है, पहली नहीं है। बताओ जोर से बोला करो। और हमारे मध्य में बोलो रुक्मणी मैया की। तो रुक्मणी मैया माता कात्यानी की पूजा करने के नैया आ गई है और नंदलाल अभी आ रहे है। सब धीरे धीरे पूजा करते जाएंगे और रुक्मणी मैया क्या बोलना है कि आओ मेरी सखी, बैठो नीचे। हाँ सभी बैठ जाओ। मुझे जा सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे जा